डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव, वी कैन स्टार्ट। मैम, आई एम रेडी फ्रॉम जी मैडम जी जी विद इन टू मिनट्स छुट गया। या आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की ओर से आयोजित 7 days की जो ऑनलाइन लेक्चर सीरीज थी मीट डॉक्टर, उसका आज अंतिम दिवस है। इस पूरे 7 दिन के जो लेक्चर सीरीज है उसमें हमारे माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा मैडम, हमारे महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक गण, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर, एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी, प्राध्यापक गण, रिसर्च स्कॉलर्स, बीएड एमएड के स्टूडेंट्स, उनके प्राचार्य और सभी जो इच्छुक लोग थे वे लगातार इसमें जुड़े रहे। आज भी समापन समारोह के पूर्व आमंत्रित व्याख्यान में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि आज डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर हैं हेल्थ सर्विसेज रायपुर में स्वास्थ्य विभाग में, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। और सर, हाउ टू केयर अवर आईज, उसके बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमने सर से ये निवेदन किया है कि सर का जब लेक्चर समाप्त हो जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दें, ताकि क्योंकि आंखों से संबंधित बहुत लोगों की समस्याएं होती हैं। और हमारे प्राध्यापक गणों में ने भी अनुरोध किया था कि हम लोग सब 50+ हो गए, तो थोड़ा हम लोग की जो प्रॉब्लम्स है वो डॉक्टर साहब से थोड़ा सा सॉल्व करवा दीजिएगा। तो मैंने डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट किया है कि सर ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रतिभागियों के क्वेश्चन के आंसर दे दें, तो उन लोगों को ज्यादा अच्छा फायदा होगा। इस बीच में मैं एक चीज और आपको सूचित करना चाह रहा हूँ कि नई दुनिया जो समाचार पत्र का समूह है, वो लोग 14 जून को 11 बजे एक सर्वधर्म प्रार्थना आयोजित करने जा रहे हैं ऑनलाइन गूगल मीट पर। उसमें आप सब भी शामिल हो सकते हैं, एक अच्छा सामाजिक सरोकार का कार्य है। और उसमें जो लोगों कोविड से हमसे बिछुड़ गए उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, और जो कोविड से अभी ग्रसित हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जाएगी। तो उसमें सभी वर्गों के अधिकारी, व्यापारी, प्रशासक, सभी लोग जुड़ेंगे। तो आप लोग भी जो जुड़े हैं बड़ी संख्या में, उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी उस प्रार्थना सभा में जुड़ करके और हमारे जो साथी बिछुड़ गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। एक और जो मैं आपको खबर सूचित करना चाहता हूं कि जो 7 दिन का जो लेक्चर सीरीज आयोजित हुई है और जो लोग 7 दिन तक उसमें लगातार अपनी सहभागिता दिए हैं, माननीय कुलपति मैडम के निर्देश पर हम लोग उनको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो जैसे ये समापन समारोह समाप्त होगा उसके ठीक पश्चात दोपहर को 2 बजे आप दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलिएगा, उसमें आपको गूगल फीडबैक फॉर्म उपलब्ध होगा मीट द डॉक्टर के नाम से, उसको आप भरिएगा। मुश्किल से 2 या 3 मिनट आपको उसको फिलअप करने में लगेंगे। प्रोग्राम के बारे में उसमें आपको अपना ओपिनियन देना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे और सही ईमेल आईडी लिखेंगे तो आपका जो पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है वो आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि आप लगातार 7 दिन तक जुड़े हुए थे, इसलिए कुलपति मैडम का ये मानना था कि आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाए तो आप लोग उसको कई जगह प्रदर्शित कर सकते हैं। जो हमारे युवा प्राध्यापक हैं वो जब वो PBS जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम भरते हैं उसमें 7 दिन के कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उसके 10 अंक मिलते हैं। तो माननीय कुलपति मैडम ने निर्देशित किया कि हम लोग यूनिवर्सिटी से उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे और आज हम करने भी जा रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि वो 2 बजे अवेलेबल होगा, उसके पहले आप उससे संपर्क करेंगे तो वो उपलब्ध नहीं होगा। ठीक 2 बजे उसका लिंक खुलेगा समापन समारोह के पश्चात। हमारे समापन समारोह में आज के मुख्य अतिथि आयुष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अशोक चंद्राकर जी होंगे, वो शीघ्र हमसे जुड़ने वाले हैं। और समापन समारोह में हम आप लोगों का फीडबैक भी लेंगे और माननीय कुलपति मैडम अपना स्वागत भाषण भी प्रस्तुत करेंगे। तो अभी जब पहला जो आज का व्याख्यान है और हमारी सीरीज का अंतिम व्याख्यान है वो है डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जो कि हेल्थ सर्विसेज में ज्वाइंट डायरेक्टर है। हम सभी तो उनसे बहुत परिचित हैं क्योंकि वो हमेशा हम लोग की हेल्प करते रहते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो दूसरे प्रतिभागी हैं जो उनसे परिचित नहीं है,
उनका बायोडाटा बड़ा लंबा है, मैं बहुत संक्षेप में उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि सर ने 1985 में जो है वो MBBS और उसके पश्चात MS की डिग्री प्राप्त की है, और सबसे पहले जो उन्होंने ऑप्थेल्मिक सर्जन के रूप में अपनी शासकीय सेवा की शुरुआत की वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजनांदगांव से। उसके बाद वो गैस रिलीफ, उस समय 1984 में जब गैस कांड हुआ था उसके बाद गैस रिलीफ के बहुत सारी सेवाएं जो है वो आरंभ की गई, तो गैस रिलीफ हॉस्पिटल भोपाल में आपने सेवाएं दी, और फिर उसके बाद अंबिकापुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप एज ए आई स्पेशलिस्ट लगभग 12 वर्षों तक आपने सेवा की। आप सभी को याद होगा जब उद्घाटन समारोह में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अंबिकापुर में डॉक्टर प्रशांत को आंखें दिखाता था, तो आपने जितने एक्सपर्ट बुलाया उसमें से 3 का तो मैं खुद ही मरीज हूँ और बता सकता हूँ कि वो लोग अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, तो डॉक्टर प्रशांत उन्हीं में से एक हैं। फिर 2000 में सर HOD ऑफ आई डिपार्टमेंट होकर के दुर्ग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, और सबसे बड़ी जो बात है वो इन्होंने कैटरेक्ट अर्थात मोतियाबिंद के लगभग 60,000 से अधिक ऑपरेशन किए हैं थ्रू आउट द स्टेट में, मतलब एक तरफ वाड्रफ नगर से लेकर के बीजापुर तक, सरगुजा से लेकर बस्तर तक सर ने लगभग 60,000 जो ऑपरेशन किए हैं, और उसी के कारण सर को अच्छी मेडिकल सर्विसेज और क्वालिटी सर्जरीज के कारण महामहिम राज्यपाल द्वारा 2 बार सम्मानित किया जा चुका है, और 2010 से वे दुर्ग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिविल सर्जन का कार्यभार संभाल रहे थे, और उनका यह सिविल सर्जन का कार्य बड़ा सफल कार्यकाल माना जाता है, और उसके बाद 2016 से आप जो है वो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं उसका दायित्व आपने संभाला, और अभी 2 वर्षों पूर्व आप इंचार्ज डायरेक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रायपुर गए जहां की डॉक्टर्स की और हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद अभी आपकी पदोन्नति हुई और आप ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर अभी वर्तमान में सुशोभित हैं, और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां सर जुड़े हुए थे उन्होंने 1,00,000 जो ह्यूमन रिसोर्स हैं हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए उनको कोरोना के अगेंस्ट फाइट कैसे करें उसका प्रशिक्षण दिया, और पूर्णतः जो डॉक्टर साहब की एक्टिविटीज हैं और जो उनका इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड है उसका प्रभाव उनके घर पे भी पड़ा है। उनकी जो श्रीमती जी हैं बेटर हाफ हैं वो गवर्नमेंट साइंस कॉलेज दुर्ग में बॉटनी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव, और आपके पुत्र और पुत्री दोनों जनरल कैटेगरी में IIT खड़गपुर से आपने जो है वो बीटेक की डिग्री ली है और इस समय मल्टीनेशनल कंपनी में दोनों कार्यरत। तो इस तरीके से बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सर अपनी बात प्रारंभ करें। सर प्लीज। डॉक्टर साहब आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ वो ऑफ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, अभी एक मेल आया था उसी को ट्रैक करते हुए। Just give me 2 minutes. जी जी सर जी। हाँ, थैंक यू प्रशांत जी, इतना एलाबोरेटेड CV की आवश्यकता नहीं थी। एनीवे थैंक यू अगेन। आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल VC मैडम प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा पल्टा। वी हैव बीन मीटिंग इन SIHFW twice or thrice, what I remember, being a famous nutrition expert of the state. I have requested and she agreed to participate in some formation of curriculum. और उनने जो आज opportunity दी है मैं उसका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। After this, मैं डॉक्टर प्रोफेसर चंद्राकर का भी शुक्रगुजार हूँ कि since long he have been a very good friend of mine. हमने दो भी आई के ही डॉक्टर हैं, मैं भी आई का ही डॉक्टर हूँ, तो हम सब साथ ही उनकी सर्विस की ज्वाइनिंग से लेके
सारी लंबी यात्रा में हम सब सहभागी रहे हैं। मैं इसी फोरम से यूज करते हुए माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने फोरम में याद किया मुझे, और डेफिनेटली उनके लीडरशिप में कोविड मैनेजमेंट में स्टेट काफी अच्छा काम कर रहा है, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जितने यूनिवर्सिटी के फैमिली के लोग हैं, रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, इन सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रशांत जी, मे आई हैव स्लाइड शेयर प्लीज? सर जस्ट अ मिनट, मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो सिंपल आई केयर है। ओवरऑल ये अपने आप में बहुत बृहद टॉपिक है। आई केयर दो इट्स ए वेरी स्मॉल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इंटायर बॉडी, वेरी सेंसिटिव टू, बावजूद इसके इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इस ऑर्गन में कि हम कहते जरूर हैं सभी बच्चों, जब बच्चे जब पढ़ते हैं शुरुआत के दिनों में उनकी सेकेंडरी एजुकेशन्स में, तो उन्हें आई का स्ट्रक्चर भी बताया जाता है, उसकी ऑप्टिक्स भी बताई जाती है, थोड़ी बहुत एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी बताई जाती है। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं बेसिक्स, तो आगे हम शायद इसको बहुत चीजों को या रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या मैनेजमेंट को हम समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली ये टोटल जो आई का लेंथ है इंटीरियर से पोस्टीरियर, मतलब सामने से पीछे की तरफ, वो टोटल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर का होता है, सो स्मॉल। और मोटी मोटी चौड़ाई भी आप देखेंगे वन एंड टू अनदर एंड, जो नाक से स्टार्ट होके और टेम्पोरल एरिया जिसको हम कहते हैं उस तरफ जो जाता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट मोर देन से अबाउट 20 मिलीमीटर्स। तो ये जैसा आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में ये तीन कोटिंग होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आउटर ट्रांसपेरेंट विच यू शो, कभी एक दूसरे को देखते हैं आप तो महसूस करते हैं कि वो ब्लैक एरिया जो, जिसको हम कॉमन भाषा में पुतली जैसी बातें कहते हैं, दैट इज कॉर्निया। एंड ये इट इज जस्ट लाइक अ लेंस, कॉर्निया इज जस्ट लाइक अ लेंस। तो कॉर्निया उसी कंटिन्यूएशन में जो नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक एरिया है, दैट इज रादर टफ, तो वो स्क्लेरा है। और पूरा वो सर्कल आपको दिख रहा है, ये पूरी इंसर्ट सर्कल्ड है स्क्लेरा से, और पीछे जाके वो ऑप्टिक नर्व की कवरिंग में एंड हो जाती है। फिर अंदर में एक और मीडियम कोटिंग होती है, मीडियम लेयर जिसको हम कहते हैं, दैट इज यूवियल टिश्यूज, जिसको हम कोरायड, और फ्रंट में जो सीलियरी मसल्स एंड आयरिस होती है जो हेल्थी सुकुड़ती है, ये लेयर होता है। और सबसे अंदर में मोस्ट सेंसिटिव लेयर, दैट इज कॉल्ड रेटिना, दैट इज ए टोटल मेड ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मीन्स जिससे दिमाग ब्रेन बना है, इन्हीं चीजों से ये रेटिना भी बनी हुई है। और इन्हीं न्यूरॉन्स का कंटिन्यूएशन जो है वो ऑप्टिक नर्व है, जो ब्रेन से कनेक्ट होता है। इट कैरीज इमेजेस, मैसेजेस, विजुअल, जो भी इसके पास में डाटाबेस है वो सारा ब्रेन में चला जाता है, और वहां एनालाइज करके फिर क्लियर होता है कि हम क्या देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। वो पास्ट के डाटाबेस से मिलान करके फिर पता होता है, इस आदमी को हमने कभी देखा है, इस चीज को हमने कभी देखा है। तो दैट इज हाउ दिस वर्क्स। एंड एक मिनट में और लूंगा कि आई इज जस्ट लाइक ए कैमरा। ये बहुत पुरानी बात है, सब कहते आ रहे हैं, बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं। और जो फिजिक्स के हमारे प्रोफेसर लोग साथी हैं और रिसर्चर्स जो हैं, वो बहुत अच्छे से समझते होंगे
इसकी पूरी डायप्टरिक वैल्यू 60 डायप्टर के आसपास होती है, 60। और इसमें से मेजॉरिटी जो वैल्यूज है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय कॉर्निया, दैट इज 42 डायप्टर ऑलमोस्ट, कभी थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होता है पर एवरेज आउट 42, एंड 18 डायप्टर इज कंट्रीब्यूटेड बाय लेंस विच यू ऑल आर शोइंग वाइट एरिया, दैट इज लेंस। आगे चल के हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और आगे चल के मैं बताऊंगा कि व्हाट इज मोतियाबिंद क्या है, कैटरेक्ट क्या है, तो ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड होंगी। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए ये फिजियोलॉजी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लेंस, इसमें दो ऑर्गन ऐसे हैं जो आपको डायप्टरिक वैल्यू देते हैं, लेंस हैं, एंड दे आर एवेस्कुलर। इसमें ब्लड नहीं होता है, न कॉर्निया में ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, न ब्लड होता है, न लेंस में होता है। ये दोनों एवेस्कुलर स्ट्रक्चर हैं। अब आप देख रहे हैं कि लेंस इज सस्पेंडेड थ्रू सम सस्पेंसरी लिगामेंट्स, दीज आर द लिगामेंट्स विच कीप्स लेंस इन पोजिशन, और ये फैलते सिकुड़ते भी हैं लिगामेंट्स, और अकॉर्डिंगली हमारा लेंस का फोकल जो पॉइंट है वो चेंज होता है। दूर देखते हैं हम नेचुरल कोर्स में, फिर पास देखते हैं, तो दिस इज द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड लेंस स्वेल अप होता है और फिर स्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा स्लिम हो जाता है। दिस इज व्हाट इज इसकी डायोप्टरिक वैल्यू चेंज होती है लेंस की, और फिर वो जो रेज है उसको रेटिना पे, अल्टीमेटली कॉर्निया और लेंस का पर्पस है कि इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस करना। एंड रेटिना में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड मैक्यूला या फोबिया, उसमें सेंटर बिल्कुल नाइंडस जैसा, दिस मैक्यूला पे ही मेन इमेज फॉर्मेशन होती है। अगर यहाँ कोई बीमारी हो जाए, यहाँ कोई दिक्कत आ जाए, किसी बात की एबनॉर्मलिटीज हो जाए, तो आदमी को क्लियरिटी नहीं दिखेगा। तो अब इसमें दो लुब्रिकेटिंग लिक्विड्स ही होती हैं, एंटीरियर चेंबर में एंटीरियर दिस एक्वस ह्यूमर, ये एक कंकरेंट मूवमेंट इनका चलता रहता है, ये जो सिलियरी बॉडी से ये सिक्रीट होती हैं और बाहर निकल जाती। सेकेंडली विट्रियस चेंबर लाइक ए हनी, ये एक जेल है, तो ये रेटिना को इन पोजिशन रखता है, और ये ट्रांसपेरेंट ये भी होता है क्योंकि लाइट ट्रेवल करके फिर इमेज बनाती है। तो विट्रियस चेंबर इट इज ए बिगर वन, एंड एंटीरियर चेंबर इज ए वेरी स्मॉल। ये इसकी डेप्थ नॉर्मली 2.5 मिलीमीटर 2.6 मिलीमीटर के आसपास होती है एक्वस चैम्बर की। एंड देन कुछ एडिशनल चीजें और होती हैं, आपने देखा होगा पलक, जिसको हम बोलते हैं लिड, लिड में कुछ आई लैशेज भी होती हैं, और इसके साथ में हमारे पास में एक एडिशनल लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, जहां से सिक्रीशंस, जहाँ के जो उनके सिक्रीशंस हैं वो निकलते हैं, और आई को थ्रू आउट द डे थ्रू आउट द आई मीन एवरी टाइम ये लुब्रिकेट्स करती हैं, जिसको हम सिंपल आंसू बोलते हैं या टीयर बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट इज प्रोसेस। जब हम आगे चीजों को समझेंगे, डिजीजेस को डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत आपकी इश्यूज उसी से रिलेटेड होंगी, तो हम ये समझ पाएंगे कि सबका इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट प्लीज, मैं आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब कौन सी ऐसी बीमारी इंडिया में है जो थोड़ी प्रिवलेंट है, जो थोड़ी कॉमन है, जिससे हम सब कमो बेस इनकाउंटर होते रहते हैं। तो पहले तो हम एक जनरल डाटा देख लें कि प्रेवलेंस ऑफ आई डिजीजेस पर्टिकुलरली वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस जो है 4.5 CR है थ्रू आउट
पूरी दुनिया में, और इंडिया में 1.2 करोड़ है, 2 CR है, और एवरी ईयर 15 लाख केसेस जुड़ जाते हैं पर ईयर. इट इज एडिशन फॉर 15 लाख केसेस पर ईयर इन इंडिया. सब जगह की अलग अलग प्रेवलेंसेज हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की अलग प्रेवलेंसेज है, उनमें कैटरेक्ट कम होता है, पर इंडिया में कैटरेक्ट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 62%. कैटरेक्ट इज द मेजर डिजीज विच कॉजेस ब्लाइंडनेस. देन रिफ्रैक्टिव एरर 19%, जो दूर की कम दिखता है, पास का कम दिखता है. आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एस्टिग्मेटिक इश्यूज, थकान होती है आंखों में. तो दीज ऑल प्रॉब्लम्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर. देन वेरी कॉमन आने वाले समय में या आज के समय में डायबिटिक रेटिनोपैथी. मैं आई वुड लाइक टू मेंशन कि आज हमारे यहाँ 7.6% पॉपुलेशन आर डायबिटिक, एंड ग्रेजुअली दिस इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, एंड इट इज प्रिज्यूम्ड इन ईयर 2030 इंडिया will become diabetic capital of dunya of world. This is definitely a matter of concern. Or next is glaucoma. अब मैं आगे एक एक बीमारियों के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करते जाऊंगा, तब आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी कि किस तरह से हम आगे इन जो इश्यूज आ रही हैं उसको कैसे हैंडल करेंगे. नेक्स्ट प्लीज. अब देखें, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरी स्लाइड में शायद वो छूट गया. दुनिया में भारत पहला देश है जिसने प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम को नेशनल प्रोग्राम का दर्जा दिया, एंड इट वाज इनिशिएटेड एंड स्टार्टेड इन ईयर 1975. इमरजेंसी के समय ये स्टार्ट हुआ पूरी इंडिया में, जिसमें हम अभी आपको मैंने प्रेवलेंसेस बताई, परसेंटेज भी बताए. आप देखे आपने देखा होगा कि कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव एरर, ये दोनों को अगर हम मिला दें 62 और 19, तो ऑलमोस्ट इट कम्स 81% आउट ऑफ 100. 81% आर अवॉइड, इनको हम अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस इसलिए कहते हैं कि इनको आप अवॉइड कर सकते. These are reversible blindness. Reason behind, आप दोनों conditions को treat कर सकते हैं, fully recover कर सकते हैं, चाहे वो refractive error हो, चाहे cataract हो. But other diseases, diabetic retinopathy या glaucoma या other posterior segment diseases, इनको आप fully cure नहीं कर सकते. Retinal detachment, etc. फुल्ली क्योर नहीं होंगी तो 100% रिकवरी नहीं होती है इसमें, इसलिए इनको हम दूसरी कैटेगरी में डालते हैं कि दिस कैनॉट बी अवॉइडेड. दिस कॉम्प्लिकेशन कैन बी पोस्टपोन्ड बट कैनॉट बी एलिमिनेटेड और अवॉइडेड. मीन्स 0% कॉम्प्लिकेशन हो ऐसा नहीं होगा इनमें, पर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, उसको टाल सकते हैं, पर आपको देर सबेर कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसके होंगे ही. तो दीज टू थिंग्स, टू डिजीजेस, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव एरर्स बिलोंग्स टू अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, और यही इसका विजन 2020 जो राइट टू साइट एक WHO का इनिशिएटिव है, इसको ये कहा गया कि 2020 में हम कैटरेक्ट और रिफ्रैक्टिव एरर को बहुत हद तक कवर अप कर पाएंगे, हालांकि हम अपने टारगेट से भी बहुत पीछे हैं. नेक्स्ट प्लीज. देन मेजर आई प्रॉब्लम टिल 25 इयर्स, यानी यंगर एज ग्रुप,
में कौन से प्रॉब्लम्स ज्यादा प्रिवलेंट हैं, वो तो मैंने जनरल स्टैटिक्स बताया आपको, स्टैटिस्टिकल डाटा थी वो। आप देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर आर मोर कॉमन इन दीज डेज। अब ये हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया एक वर्ड है जिसमें मैंने आपको आप जब आई के स्ट्रक्चर को रिमेम्बर करें तो इसमें क्या होता है कि रेटिना के पीछे इमेजेस बनती हैं, मींस आपके लेंस की कॉर्निया की और लेंस की डायोप्टरिक वैल्यू थोड़ी नॉर्मली कम होती है या आपकी आई बॉल की लेंथ कम होती है, इस कारण इमेजेस पीछे जाती हैं, जिसको हम एडिशनल ग्लास लगा के उसको फिर से एडिशनल ग्लास हम देंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज अगर हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ये कन्वर्स करती है रेज को और रेटिना पे आके वो फोकस हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को जो इस बीमारी से हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित है, जिसको दूर का नहीं दिख रहा है, उसको बहुत अच्छे से दिखने लगेगा। दिस इज व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। दिस इज लेस कॉमन देन द मायोपिया। मायोपिया इज वेरी कॉमन। मायोपिया मीन्स जिसमें दूर का कम दिखाई देता है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का भी और पास का दोनों का कम दिखेगा एक नॉर्मल इंडिविजुअल को। मायोपिया में पास का अच्छा दिखता है पर दूर का कम दिखता है। क्यों दूर का कम दिखता है? क्योंकि उसकी लेंसेज ज्यादा पावरफुल है, चाहे वो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस हो या कॉर्निया, इनकी बनावट ऐसी होती है, इसके कर्वेचर्स ज्यादा होंगे तो लेंस जो रेज है वो आपके रेटिना के सामने फोकस होंगी, जाके मिलेंगी, तब भी आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। आपको उस इमेज को शिफ्ट करना है रेटिना के ऊपर, रेटिनल लेयर के ऊपर, तो वहां ले जाने के लिए आपको ऐसी लेंसेज चाहिए जो थोड़ी सी रेज को डाइवर्स करे, एंड दोज आर द माइनस लेंसेज। तो ये हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या है? आपने देखा होगा कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था स्ट्रक्चर को लेंस के, तो एक सस्पेंसरी लिगामेंट से जिससे ये लटकती हैं, लेंसेज अपनी जगह पे रहती हैं, वो अगर वीक पड़ जाए, सस्पेंसरी लिगामेंट थोड़ी वीक पड़ जाए, लक्सिटी आ जाए, ये दो तीन इश्यूज आप देख सकते हैं बाई वर्च्यू ऑफ एज। जब भी एज हमारी बढ़ती है, 40 इयर्स जिसको हम लोग कहते हैं कि एक प्रॉपर एज आ रही है ग्लासेस के लिए, पास में दिखना कम हो गया, तो 40 साल में थोड़ी सी लक्सिटी उसमें आती है और यू नीड एक्स्ट्रा पॉजिटिव नंबर टू रीड नियर ऑब्जेक्ट, नियर राइटिंग्स, नियर कोई भी चीज देखने के लिए आपको एडिशनल नंबर की जरूरत होती है। और ये एक तरह से हम लोग मोटे तौर पे, दो इट इज अ डिजीज पर हम इसको मोटे तौर पे बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रॉब्लम। जैसे बाल सफेद हो रही है, स्किन में झुर्रियां आ रही हैं, वैसे हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट में भी झुर्रियां आ रही हैं। तो दिस इज व्हाट इज प्रेस बायोपिया। और ये आप देखेंगे 60 साल तक जाके ये ग्रेजुअली ग्रेजुअली एक डायोप्टर से शुरू होके 3 डायोप्टर तक मैक्सिमम जाता है। 3 डायोप्टर के बाद में ऑलमोस्ट ये जितना लूज करना होता है कर चुका होता है और वो 3 डायोप्टर यूजुअली मैक्सिमम होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब इसी में स्टिग्मेटिज्म भी है। स्टिग्मेटिज्म मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि स्फेरिकल और स्टिग्मेटिज्म एक बेसिक अंतर यह है कि स्फेरिकल 360 डिग्री पे इफेक्टिव होता है जबकि स्टिग्मेटिज्म पर्टिकुलर एंगल पे ही काम करता है। तो उसके डिटेल में न जाके फिजिक्स वाले हमारे जो फ्रेंड्स होंगे या प्रोफेसर होंगे वो सब कुछ समझते हैं, इवन स्टूडेंट होंगे वो भी समझते हैं, तो उसमें डिटेल ना जाके। और हाँ, एक बात जरूर बताऊंगा कि एस्टिग्मेटिक केसेस में थोड़ा भी अगर नंबर की जरूरत है तो पहनना इसलिए जरूरी है कि उससे बहुत जल्दी आई फटीग हो जाती है, आई थक जाती है और फिर आपको काम करने में मन नहीं लगता या हेडेक शुरू हो जाता है। तो दीज आर द इश्यूज ऑफ रिफ्रेक्टिव एरर। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू रिमेंबर, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू ऑल कि रिफ्रेक्टिव एरर बच्चों में, जैसा मैंने बताया, ये कई बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि खाने से कैसा होगा, चश्मा लगाने से नंबर उतर जाएगा या
क्या करें डॉक्टर साहब कि चश्मा उधर जाए या चश्मा का नंबर ना बढ़े। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं सभी लोगों को कि हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया इज ए स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, ये बनावट और डेवलपमेंटल होता है, ये आपके हमारे हाथ में नहीं होता। यस, बट टू ए सम एक्सटेंट इट इज थॉट दैट हेरिडिटरी कैरेक्टर सम रोल पैदा प्ले करती है, पर्टिकुलरली मायोपिया के लिए। मायोपिया में आप देखेंगे कि मदर फादर अगर मायोपिक हैं तो प्रायः बच्चों को चश्मा लगता है, दैट इज मायोपिया। तो ये चीजें, पर कई बार बच्चे पुराने समय में हम लोग जब पढ़ते थे स्कूलों में तब तो कोई ऐसी जांच की सुविधा नहीं थी, इवन आई स्पेशलिस्ट जिलों में नहीं होते थे, तो उस समय लोग अवॉइड कर जाते थे। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को सॉरी, अगर ज्यादा पावर किसी आंख में लग रहा है और उसको हम टाइमली पावर प्रिस्क्राइब नहीं कर पाए या वो पहन नहीं पाया चश्मा, तो उस आंख में जो विजन का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है। और आगे चल के अगर आप चश्मा लगाए भी तब भी उसमें सुधार नहीं आता, दैट इज कॉल्ड एम्ब्लॉयोपिया। ये इरिवर्सिबल स्टेज आ जाती है एक समय के बाद। तो ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आई स्पेशलिस्ट के जो टेक्निकल फोरम है उनके रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है कि स्कूलों में हम सभी लोगों का आई टेस्ट कराएंगे। और आपने देखा होगा कि सीबीएसई में भी अगर आपके आई के टेस्ट का रिपोर्ट आप नहीं लगाएंगे, डेंटल का और आई का रिपोर्ट नहीं लगाएंगे, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होती तो आपके एडमिशन कार्ड नहीं आएंगे। तो ये अभी रिसेंटली हुआ है, बट आई स्कूल एग्जामिनेशन का जो बच्चों का टेस्ट है ये सालों से चल रहा है, ये 90s से चल रहा है। तो इसको गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने प्रोग्राम में, दैट इज व्हाई रिफ्रैक्टिव एरर दो कम्स इन अवॉइडेबल ग्रुप, अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस ग्रुप, बट इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइमली इसको हमने हैंडल नहीं किया तो हाइपर एम्ब्लॉयोपिया के कारण वो इरिवर्सिबल फेज में भी जा सकता है। देन सेकंड कॉमन है, जब हम ओपीडी में बैठते हैं तो देखते हैं कि चश्मे के मरीज काफी हैं, ऑकुलर एलर्जी के मरीज काफी हैं कि हमको इचिंग हो रही है, रेडनेस है, थोड़ी बहुत वाटरिंग होती है, आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। तीसरा ट्रामा, बच्चे खेलते हैं, गिल्ली डंडे खेलते हैं, कोई और शार्प ऑब्जेक्ट की ट्रामा हो सकती है, ब्लंट ऑब्जेक्ट की ट्रामा हो सकती है, तो इन चीजों को भी आगे चल के केमिकल इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स में ये केमिकल ट्रामा भी होता है, तो आगे चल के देखेंगे इसको वन बाय वन। देन इन्फेक्टिव इश्यूज, अक्सर आप देखेंगे बरसात के दिनों में, इन दिनों में आंखें लाल हो जाती हैं, जिसको कई बार हम अपने कॉमन भाषा में कभी कहते थे। एक जमाने में एक इन्फेक्शन बांग्लादेश से आया था, तो बांग्लादेश वाली बीमारी हो गई क्या? तो दिस इज ऑल इन्फेक्टिव, या फिर अल्सर्स, कंजंक्टिवाइटिस, बहुत सारे इनके इन्फेक्शन एक साथ ही, स्टाई जो गुठलियां बन जाती हैं पलकों में, या पेनफुल जो होता है उसको स्टाई हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें इस कैटेगरी में आती है, वेरी कॉमन। हर बच्चा, ऑलमोस्ट एवरी बच्चा जो आज एडल्ट है, जो आज एल्डरली है, वो सब कोई ना कोई एक इन्फेक्टिव स्टेज से आई के गुजरा ही होगा। देन कम्स कंजनाइटल एंड डेवलपमेंटल, ये ग्रुप भी देखने को मिलता है खासतौर से इंडिया में। कंजनाइटल कैटरेक्ट, स्क्विंट एंड बुपथलमाज मीन्स ग्लॉकोमा सिंस बर्थ, बुल आई जैसा लगता है, छोटे बच्चे की आई इतनी बड़ी लगती है जैसे वो बुल आई, इसलिए इसको बुपथलमाज कहते हैं। तो ये आगे चल के हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब मेजर इश्यूज इन प्री एल्डरली एंड एल्डरली, ये क्या होती है? तो ये इसमें देखिए रिफ्रेक्टिव एरर वहां पे फर्स्ट था, यहाँ पे कैटरेक्ट फर्स्ट हो गया। तो कैटरेक्ट, रिफ्रेक्टिव एरर, देन डायबिटीज इश्यूज इंटर्ड इन दिस ग्रुप, ग्लॉकोमा, आगे चल के मैं बताऊंगा कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है, और ट्रामा। नेक्स्ट कैटरेक्ट, वो
इमेज याद करिए जो मैंने सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट की थी. इट इज ए ओपेसिफिकेशन, क्लाउडीनेस ऑफ नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस, और कुछ नहीं. ये ओपेक हो गया, रेज को वहीं रोक देता है. वो जो रेज, लाइट की रेज जाती हैं कॉर्निया के थ्रू, उसको ये रेटिना तक जाने नहीं देता. इस कारण से ये और उसमें ये क्लाउडीनेस क्यों आता है? दिस कम्स यूजुअली बिकॉज ऑफ लेंस इज मेड अप ऑफ काइंड ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन थोड़ी सी आप समझे इमल्सिफाई हो जाती है. तो ये जम जाती है हमारी प्रोटीन. जैसे आप देखेंगे किसी भी प्रोटीन को अगर आप गर्म करेंगे तो वो एक आप देखेंगे प्रेसिपिटेट बन जाता है. तो दिस काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट्स टेक्स प्लेस इन एंटायर लेंस. इसका जो स्ट्रक्चर है वो डीअरेंज हो जाता है और ये रेज को रेटिना तक जाने नहीं देती. दिस इज कॉल्ड कैटरेक्ट. और इट अपीयर्स इनिशियली थोड़ा सा ब्लूइश, आगे चल के बिल्कुल वाइट जैसा दिखता है. अभी हम देखेंगे इसके इमेजेस भी. एग्जैक्ट रीजन इज नॉट नोन बट इट इज फ्रीक्वेंटली सीन इन इफ कैरिंग मदर एक्सपोजर्स टू इन्फेक्शन एंड रेडिएशन. मीन्स अगर कोई एएनसी वाली महिला है, उसको जर्मन मीजल्स या इस तरह की कोई बीमारी वायरल हुई. सेकेंडली उनने अगर रेडिएशन करा लिया, मीन्स एक्सरे या सीटी स्कैन इत्यादि करा लिया, तो ये सब चीजें अल्टीमेटली फीटस को, बच्चे को यूट्रस में उसके डेवलपमेंट पे असर डालती हैं और जिसके कारण बाय बर्थ बच्चों को कैटरेक्ट हो जाता है. देन डायबिटिक पेशेंट्स में भी बहुत कॉमन है. रीजन बिहाइंड कि इसकी टीयर और टीयर जो मैंने बताया था, टीयर के बाद एक एक्वस लिक्विड मैंने बताई थी, एक्वस ह्यूमर, इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है. मीन्स ये ज्यादा हाइपर ऑस्मोलर हो जाते हैं. तो ये सारी चीजें हाइपर ऑस्मोलर होने से वाटर कंटेंट बढ़ने लगते हैं, लेंस में भी वो पेनिट्रेट करते हैं और लेंस भी स्वेल अप हो जाता है. इसके कारण ग्रेजुअल एंड ग्रेजुअली वो उसकी प्रोटीनस प्रेसिपिटेट होने लगते हैं और कैटरेक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड, इन केसेस में भी आपको विटामिन नहीं कैल्शियम इत्यादि की कमी के कारण ये आपको कैटरेक्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखने में आती है. तो इवन यूवी लाइट, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, यूवी लाइट जैसे हमारे भाई किसानों में, किसान खेत में काम करते हैं, लेबरर्स अपने फील्ड में काम करते हैं, तो इन सबको भी कैटरेक्ट फ्रीक्वेंटली होता है. आपने महसूस किया होगा गाँव में इसकी संख्या ज्यादा है. आप देख ही रहे हैं जो स्ट्रक्चर लेंस के थ्रू जाके फोकस हो रहा है, यहाँ पे लेंस स्कैटर्ड, रेज स्कैटर्ड हो जा रही है कैटरेक्टस आई में बिकॉज ओपेसिफाई हो रहा है थोड़ा सा लेंसेस. तो ये और आप देख रहे हैं कैटरेक्टस आई, इट अपीयर्स वाइट इन पिपुलरी एरिया. जो ब्लैकिश पिपुलरी एरिया है उसके बीच में वो वाइट लग रहा होगा स्पॉट, दैट इज कैटरेक्ट. नेक्स्ट प्लीज. ये देखिए बच्चों में, ये छोटा सा बच्चा है जिसको कैटरेक्ट हो गया है. आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं. ये फॉर्चुनेटली ये इमेज हमारी लोकल छत्तीसगढ़ की है, तो यू कैन वेरी वेल सी कैटरेक्ट इनसाइड द आई इन ए स्मॉल चाइल्ड. ये दिस इज कंजनाइटल, मीन्स इसकी मदर कभी ना कभी इन चीजों से एक्सपोज हुई होगी, कोई ऐसी दवा खाई होगी. दवा से भी होता है, जिसको हम टेराटोजेनिक इफेक्ट बोलते हैं. टेराटोजेनिक मीन्स बच्चे को भ्रूण में ही उसमें चेंजेस आ जाती हैं. तो ये टेराटोजेनिक इफेक्ट के कारण ये कैटरेक्ट है. नेक्स्ट प्लीज.
अब इसके प्रभाव क्या होंगे कैटरेक्ट होने से? तो पहली चीज, ब्लर्ड विजन होगा, कम दिखाई देगा, लो सेंसिटिविटी ऑफ कंट्रास्ट, नॉट ओनली कम दिखेगा, या कई बार पेशेंट्स कहते हैं साहब बहुत कम नहीं दिखता, लेकिन रात को मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, दिन में भी थोड़ा ग्लेयर लगता है। तो दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ लो सेंसिटिविटी, जो कंट्रास्ट है, जो हमारी रेटिना जितनी फंक्शनलिटी उसको मिलनी चाहिए, जितनी हमारी रेटिना की फंक्शनलिटी होगी तो उसको प्रॉपर लाइट चाहिए, कंट्रास्ट, कलर, इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको पहचानने के लिए रेटिना को। तो उस स्थिति में कंट्रास्ट थोड़ा पुअर होगा, बहुत डेप्थ परसेप्शन नहीं होगा। तो दीज आर ऑल द इश्यूज, लो लेवल ऑफ जजमेंट ऑफ डेप्थ, लो सेंसिटिविटी ऑफ कलर विजन एंड ग्लेज, लाइट चमकेगी, आप गाड़ी चलाने में असहज महसूस करेंगे। दीज आर द कॉमन इश्यूज, ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली डेवलप्स आफ्टर कैटरेक्ट। अब सिंपल सा रीजन, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज, हर कमोबेश जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, लॉन्गिविटी बढ़ती जा रही है, जो हमारे घर में एल्डरली हैं, आप देखेंगे कमोबेश सभी के यहाँ ये कैटरेक्ट की इश्यूज देखने में आएंगी। तो इसका इलाज क्या है? एवरीवन वांटेड टू आस्क कि भाई इसका प्रॉपर इलाज, लेटेस्ट इलाज। कई बार मेरे पास जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में होते हैं तो लोग पूछते हैं कि साहब ऑपरेशन करना है, आप लेसर से कर दो। पर मैं आपको आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई एट दिस मोमेंट कि एक्चुअली लेसर से कैटरेक्ट ऑपरेशन एज ए होल नहीं होता है। लेसर का उपयोग रेटिना में है, लेसर का उपयोग ग्लकोमा में है, लेसर का उपयोग और कुछ जगहों पे है जो मैं आगे आपको और क्लैरिफाई करूंगा, पर लेसर का उपयोग कैटरेक्ट ऑपरेशन सर्जरी के लिए नहीं होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेको। फेको को लोग लेसर से मिमिक करते हैं, उसको कहते हैं कि यही है, मींस फेको को फेको ना समझ के, स्टिल इट नीड्स ए वेरी स्मॉल इंसीजन। वो कहते हैं बिना चीरफाड़ वाला कर दो, इसी को हम बिना चीरफाड़ वाला ऑपरेशन भी बोलते हैं। बिकॉज 2.8 इज नथिंग बट एक 20 बोर की एक नीडल, अगर हम ले लें, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं नॉर्मली अपने बाहों में, कमर में, वो रहती है 23 डिग्री की, 23 गेज की नीडल होती है। अगर 20 गेज की नीडल से हम ऑपरेशन कर लें 2.8 mm से, इवन 1.88 से भी होता है, सॉरी, देन ये अल्ट्रासोनिक प्रोब लाइक ए वेरी थिन स्लिम पेन जैसी, जो हमारे फाउंटेन पेन है उसके माफिक प्रोब से हम आई के अंदर इंटर करते हैं और उसमें हम कैटरेक्ट को इमल्सिफाई करके मिलियंस ऑफ मिलियंस पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं अल्ट्रासोनिक एनर्जी से, अल्ट्रासोनिक प्रोब के थ्रू, और उसको सक आउट कर लेते हैं। और उसके बाद में हम आर्टिफिशियल लेंस उसी पेन जैसे स्ट्रक्चर से उसमें हम फोल्ड करके डालते हैं, वो ऑलरेडी फोल्डेबल भी आता है, और उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फेको। हम आप प्लीज प्रशांत जी, यू कैन क्लिक, डबल क्लिक दिस वीडियो। प्लीज मेक इट, डबल क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। Are you not able to open? Okay, thank you. जो आपने वीडियो भेजा था वो दिखाना है, ये इसी में वीडियो है? नहीं, मैंने भेजा है ना एक वीडियो, नहीं ये 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 भी है, इसको आप डबल क्लिक करिएगा तो इट इज इट विल ओपन, बट इट इज नॉट ओपनिंग सर, वी हैव ऑलरेडी क्लिक्ड।
ओके कोई बात नहीं, देखते हैं अपन सुपर हाइपरलिंक से अगर खुल जाए आगे चल के जी, विल ट्राई। आपको जो मैंने भेजा है अगर वो आप चला पाए तो और अच्छा होगा। जी जी यस थैंक यू। दिस इज ड्रैप डाई, हमने इसको ओटी में ले लिया है और इसको आपने देखा होगा ड्रैपिंग है जो आई के ऊपर एक आपको दिखाई दे रहा होगा एक कवरिंग है दैट इज अ स्टराइल ड्रैपिंग। दिस इज अ फाइन MBR ब्लेड जिससे हम एंटर करते हैं, आपने देखा किस तरह से हमने एंटर किया। Tiny side port incisions, they are normally sub 1 millimeter size. We replace the aqueous fluid with the visco, which is a kind of thick jelly-like fluid. Cataract is a cloudiness of natural lens which is surrounded by a capsule or membrane. To reach the cataract, we have to open the membrane. Then we make a valvular self-sealing 2.2 millimeter opening in the cornea. We dissect the inner layers of cataract with the fluid pressure. It separates the hard nucleus and the soft surrounded cortical matter from the capsule. Hard nucleus is big in size, so it has to be dissolved inside the eye, which is done by emulsifying it with ultrasonic energy. Energy comes through the titanium tip, which dissolves protein of the nucleus, and it is a hollow structure, so it swallows the dissolved protein also. Phaco technology came in existence in 1971. Since then, it has evolved to great extent. Now, modern machines are very safe and eye-friendly. Because we can make the cornea numb with eye drops, so now there is no need to give any injection for anesthesia. Just a drop of anesthetist on the cornea is sufficient. A normal cataract surgery takes hardly 4 to 5 minutes. This video shows an unedited cataract surgical procedure. After removing the hard nucleus with the phaco power, remaining loose part of the cataract can be easily aspirated. Now the eye has empty capsular bag, which we polish and try to remove the attached active cells and fiber. We fill the capsular bag with the jelly and eye is ready to receive fresh, clear artificial implant. A folded intraocular lens is injected inside the eye and it is placed inside the empty capsular bag. Since the lens goes inside the bag, it doesn't come in contact with any sensitive eye structures. The whole cataract surgery procedure is painless and patient simply feels some pressure on the eye and fluid flow. We remove the jelly and irrigate the eye with diluted antibiotic fluid. There is no need to give any sutures and these tiny surgical incisions are self-sealing. That is why cataract surgery means no pain, no injection, no sutures. Thanks for watching. Thank you. We can proceed now. Yes, that is मैं भाई बताना चाहता था कि कैटरेक्स किस तरह से सर्जरी होती है। मैं चाहता था कि आप सब भी इसको देखें और आप समझ पाएं कि कैटरेक्स सर्जरी क्या होती है। देन कम्स सेकंड पर्टिकुलर ग्रुप में जो हमने एल्डरली और प्री एल्डरली की बात की थी तो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज वेरी फ्रीक्वेंटली कॉमन। मैंने पहले भी बताया कि 7.6% पॉपुलेशन इज डायबिटिक। डायबिटीज एक्चुअली क्या होता है, आंख में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? एक तो आपको पहले बताया मैंने कि एनी डायबिटिक दे आर मोर प्रोन फॉर द एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। तो ये तो पहली चीज हो गई जो पूरी बॉडी के लिए लागू होती है। एंड सेकेंड, जो डायबिटीज के
प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट होती है माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस इन रेटिना, और ये माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस और रेटिना मिमिक, और रेटिना इज रिप्रेजेंटिंग इमेजेस ऑफ हार्ट, किडनी एंड ब्रेन। अब मींस मेरा कहने का कि रेटिना यू कैन सी विदाउट एनी इन्वेजिव प्रोसीजर। रेटिना हम अपने जो हमारे ऑप्थल्मोस्कोप्स हैं, इनडायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप्स हैं, उससे हम देख सकते हैं बगैर कुछ किए। हमने डायलेट की, पुतलियों को फैलाया और अपने लेंसेज और मशीन के सहारे हमने उसको एग्जामिन कर लिया रेटिना का, इसके इवन फोटो ले लिया, फंडस फोटोग्राफ्स भी हम लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस ये रिप्रेजेंट करती हैं पूरे वाइटल ऑर्गन्स जहां भी चेंजेस डायबिटीज के कारण हो रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि डायबिटीज के डॉक्टर जो मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, डीएम कार्डियोलॉजी हैं या इवन डीएम एंडोक्राइनोलॉजी हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर आप कृपया एक बार फंडस भी चेक करा लीजिए या आंख के डॉक्टर को दिखा लीजिए। दैट इज व्हाट दे वांटेड टू नो अबाउट द डायबिटिक स्टेटस ऑफ इनर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस में छोटी छोटी जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, धमनियां हैं, इसमें इसकी नैरोइंग होने लगती है। ये माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस का नैरोइंग होने के बाद में जो बहुत थिन, बहुत ही पतली धमनियां हैं, इवन ब्लॉक हो जाती हैं। और ब्लॉक होने के बाद में जब वो ब्लड सर्कुलेशन वहां तक नहीं जाता तो वो एरिया डेड होने लगता है, मरने लगता है, और खासतौर से न्यूरॉन्स रीजनरेट प्राय नहीं होती। ब्रेन में आपने देखा होगा कि एक बार जो चीजें डेड हो गई वो रिकवर जल्दी नहीं होती, वैसे ही रेटिना में भी जो चीजें डेड हो गई वो रिकवर नहीं होती। तो ये माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस हम रेटिना के एग्जामिनेशन के बाद में इंश्योर करते हैं कि इनको किस लेवल की माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस हैं। देन इसी के कारण सारी प्रॉब्लम्स डायबिटीज में आगे चल के होती है। इसके वजह से लीकेज ऑफ द ब्लड होगा आई में, रेटिना के अंदर। सेकेंडली इवन प्रोफ्यूज लीकेज अगर हो तो पूरा जो मैंने विट्रियस चेंबर दिखाया था, इट विल बिकम फुल ऑफ ब्लड एंड क्लॉट। जब वहां ब्लड आ जाएगा, क्लॉट आ जाएगा, तो बट नेचुरल पेशेंट को ऑल ऑफ सडन दिखना बंद हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा लकवे के केस में, लकवे जब होते हैं, पैरालिसिस जब होती है, तो दिमाग में एकदम से ब्लड प्रोफ्यूजली आता है और फिर वो अंग काम करना बंद कर देता है। रीजन बिहाइंड कि वो ब्रेन वहां पे डेड होने लगती है, प्रेशराइज्ड होता है ब्रेन। आप देख रहे हैं ये आपने देखा होगा एक चमकता हुआ सेंटर में एक डिस्क जैसा दिख रहा है, दैट इज ऑप्टिक नर्व। और ये रेटिना की जो फोटोग्राफ्स हैं, ये पिक्चर हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे लीकेजेस दिख रही हैं आपको, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी का वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन है। और वाइटनेस जो दिख रही है इधर उधर फैली हुई, ये बेसिकली ओल्ड लीकेज जो एक्सुडेट में फॉर्म हो गई है, वहां कैल्सियम जम गया है, तो वो वाइट स्पॉट जैसा दिखने लगती है। तो ये भी बताती है कि आपका केस जो है ओल्ड डायबिटिक केस है और आपको ध्यान देने की जरूरत है कंट्रोल पे। इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। ये दिस इज विट्रियस हेमरेज एंड रेटिना हेमरेज। आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेड ब्लड सॉस जैसा, बिल्कुल टोमेटो सॉस जैसा अपीयरेंस है ये, तो रेड ब्लड किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब इसका इलाज क्या है? सिंपल इलाज है, जितना ज्यादा आप डायबिटीज का कंट्रोल कर रखेंगे बाय लाइफस्टाइल चेंजेस, उतनी देर तक आप अपने डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस को पोस्टपोन कर सकते हैं। अदरवाइज 10 इयर्स की लॉन्गिविटी के बाद में यूजुअली कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज की आंखों में प्रारंभ हो जाती हैं। तो और आंखों में प्रारंभ हो जाती हैं तो यू शुड प्रोज्यूम कि आपके किडनी और हार्ट और ब्रेन में भी सिमिलर चेंजेस
may take place. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि लाइफस्टाइल जो चेंजेस हैं, लाइफस्टाइल मीन्स समय से खाना, थोड़ी मात्रा में खाना, योग, वॉकिंग, ये सब जो चीजें हैं, और फिर क्या खाना क्या नहीं खाना वो बेहतर, उसके लिए पूरी चार्टिंग होती है, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनिस्ट इसकी चार्टिंग करके आपको देंगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, फिजिक के हिसाब से, बीएमआर के हिसाब से. देन रेगुलर टेस्ट एंड मेडिसिन इनटेक विथ रेगुलर फॉलोअप, ये भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप डायबिटीज में, ये कहा जाता है कि इनिशियल डेज में आप 6 महीने या साल भर में आपको आई टेस्ट कराना ही चाहिए, और रेगुलर ब्लड टेस्ट यूजुअली हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन उसमें ज्यादा होती हैं कि जो 6 महीने 8 महीने में एक आध बार ब्लड टेस्ट कराए. और मॉर्निंग सैंपल्स इज ऑलवेज मिसरीडिंग. फास्टिंग सैंपल हम करा के खुश हो लेते हैं कि अरे हमारा तो कंट्रोल है, 120 है, 130 है, 140 है, थोड़ा ही सा बढ़ा है. इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट द फास्टिंग, इम्पॉर्टेंट इज द पोस्ट मील. खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद का जो सैंपल है, 1.5 टू 2 आवर्स के बीच में जो आप सैंपल लेते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. दैट शोज कि जब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट आप इनटेक करते हैं तो आपका शुगर लेवल कहां तक शूट अप हो रहा है, एंड दैट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ, वैसे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड 150 बोलते हैं, पर स्टिल वी बिलीव, वी जो पुराने मेडिकल स्टूडेंट हैं हम आज भी बिलीव करते हैं कि 180 इज द आइडियल, 180 इज द आइडियल कंट्रोल. तो और इसका एक HbA1c टेस्ट होता है जो आपको 120 दिनों की कॉमन स्टेटस बता देगा. तो ये कॉमन स्टेटस 120 दिनों का आपका 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 7. दो इट डिफर्स फ्रॉम द टेस्ट टू टेस्ट, मीन्स थायरो केयर का अलग आएगा, SRL का अलग आएगा, लाल पैथोलॉजी का अलग आएगा, लोकल लैब का अलग आएगा, बट स्टिल 7 इज द गुड इनफ टू मेंटेन द 7 ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन. देन ग्लोकोमा, ग्लोकोमा मैंने पहले ही बताया था कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. दिस इज ए इरिवर्सिबल, दिस कम्स इन इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस. रीजन बिहाइंड कि जो ऑप्टिक नर्व है, ग्लोकोमा इज बेसिकली ए रेज्ड स्टेटस ऑफ टेंशन. जैसे बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन में आपको सिस्टोलिक डायस्टोलिक बढ़ता है, वैसे ही आई के अंदर जो हमारा प्रेशर है इक्वस ह्यूमर, वो एग्जर्ट करता है पूरी आई के इंटरनल कोड पे, और वो जाके फिर ऑप्टिक नर्व पे, जब वो प्रेशर वहां बढ़ता है तो ऑप्टिक नर्व में वेस्कुलर सप्लाई इफेक्ट होती है, खून की सप्लाई इफेक्ट होती है, और ऑप्टिक नर्व का खाना उसका न्यूट्रिशन खून ही है, ब्लड है. अगर वो उसको नहीं मिलेगा तो वो न्यूरॉन्स हैं, ऑप्टिक नर्व इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स जो ब्रेन में जा रही हैं सीधा, तो वो डेड होने लगती हैं, एंड दैट कैनॉट बी रिवर्स्ड. इनिशियल डेज में थोड़ी बहुत रिवर्स कर सकते हैं आप, पर कंप्लीटली रिकवरी 100% नहीं होती. वैसे ही रेटिना में भी वो डिफेक्ट आता है, वो रेटिना के भी सेल्स डेड होती हैं, न्यूरॉन्स डेड होती हैं, तो दैट कम्स जब हम विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं तो उसमें विजुअल डिफेक्ट आपको मिलेगा वो एरिया में. पेशेंट्स को मीन्स ग्लोकोमा में कई बार आपने देखा होगा, दूर का दिखाई देता है पर साइड का बहुत ज्यादा उसको दिखाई नहीं देता. जस्ट लाइक ए अपने टांगे को घोड़े वाले को देखा होगा कि उसके साइड में लगा देते हैं तो वो साइड नहीं देख पाता, आंखों के साइड में वो एक पट्टियां लगा देते हैं तो साइड से नहीं देख पाता, वो दूर सामने का ही देखता है, इसलिए टांगा वाला सीधा उसको ले जाता है. तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर विजन, ट्यूब जैसा, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब जैसा दिखेगा, आजू बाजू का कुछ नहीं दिखेगा. तो दिस इज विजुअल डिफेक्ट एंड ट्यूबुलर विजन आगे चल के ग्लोकोमा में मिलेगा, और ग्रेजुअली एंड ग्रेजुअली आफ्टर सम पीरियड वो भी खत्म हो जाता है, टोटल पेशेंट बिकम ब्लाइंड. न्यूरॉन लॉस होती है जैसा मैंने बताया. अब फंक्शनल इम्प्लीकेशन क्या होंगी, इन अर्ली स्टेज इट इज अ साइलेंट डिजीज, पता ही नहीं चलता. थोड़ी बहुत हेरिडिटरी चेंजेस यहां भी देखने में आती है किन्हीं किन्हीं को, खासतौर से नैरो एंगल ग्लोकोमा में. उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ग्लोकोमा के क्लासिफिकेशन में,
पर कुछ स्पेसिफिक ग्लोकोमा में हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी देखने को मिलता है. देन ब्लर्ड विजन, सीइंग हेलोज, जब आप किसी लाइट को देख रहे हैं, बल्ब को देख रहे हैं, तो आप चंद्रमा को देख रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि किनारे किनारे एक सर्कल्स हैं, मल्टीपल कलर्ड सर्कल्स हैं, दैट इज कलर्ड हेलोज. इट मीन्स कि ये डाउटफुल है ग्लोकोमा का. देन फ्रीक्वेंट स्पेक्टिकल्स चेंजेस, नियर विजन और नैरो विजन, सॉरी स्पेक्टिकल चेंजेस फॉर नियर विजन, ये अक्सर होता है कि बार बार 40 के बाद आप देखेंगे हर 6 महीने 8 महीने साल भर में आपके ग्लासेस बदल रहे हैं पास पढ़ने वाले, तो ये 2-3 कंडीशंस में ज्यादा बदलती है, एक डायबिटीज में, दूसरा ग्लोकोमा में. देन हम नॉर्मल आई और आई विद ग्लोकोमा आपको ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये डायग्रामेटिक पिक्चर्स हैं जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं. प्रेशर जा रहा है ऑप्टिक नर्व पे और इससे वो सूखने लगती है, डेड होने लगती है ऑप्टिक नर्व. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज व्हाट इज, ये व्हाइट दिख रहा है मींस पेल हो गया, ये पिंकिश होना चाहिए नॉर्मली. ये व्हाइट अगर दिख रहा है तो ये डेड सेल्स हो गई हैं, व्हाइट मींस डेड सेल्स. तो ये ऑप्टिक नर्व में डेड सेल्स बहुत ज्यादा है, आप देखना काफी बड़ा गैप दिख रहा है बीच में, तो इट मींस कि वो लेंसेस सॉरी नर्व्स डेड हो रही है. नेक्स्ट प्लीज. देन मैनेजमेंट ऑफ ग्लोकोमा, अर्ली डिटेक्शन इज द की. जितनी जल्दी हम इसको पकड़ पाएंगे उतना अच्छा होगा, एज किसी भी बीमारी में कॉमन है. ट्रीटमेंट एम टू प्रिवेंट फर्दर विजन लॉस बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि 100% रिकवरी कंडीशन में इस बीमारी में हो जाएगी. इसमें कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, दवाइयां हैं और याग लेजर हैं. याग लेजर से हम बाईपास एक रास्ता बनाते हैं जिससे एक्वस पीछे ना प्रेशर देके सामने निकल आता है, तो उसको हम एक बाईपास रास्ता देते हैं कि भाई तुम उधर पीछे जाके प्रेशर मत डालो, सामने से निकल लो. और अल्टीमेटली जब दवाइयां काम नहीं करती, लेजर काम नहीं करता, तो फिर सर्जरी, ग्लोकोमा की सर्जरी, स्पेसिफिक सर्जरी होती है. देन न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, आपने देखा होगा, अब तो खैर देखने में कम आता है, पर 2-1 दशक पहले हम लोग देखते थे कि अक्सर बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, खासतौर से जो पॉवर्टी एरिया में रहते हैं और गांवों में होते हैं, उनमें आंगनबाड़ियों में अक्सर देखने को मिलता था विटॉट स्पॉट. विटॉट स्पॉट आगे चल के मैं फोटोज दिखाऊंगा. तो ये विटामिन ए की कमी से होता है और डाइट्री, मतलब आपको चाहे कैल्शियम की कमी हो, चाहे वो प्रोटीन की कमी हो, इन सब चीज़ों के कारण आपको स्टारवेटेड जो बच्चा होगा, स्टारवेटेड रहेगा, डिप्राइव्ड रहेगा, तो उसको न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस होती है. तो आगे चल के हम देखेंगे कि विटामिन ए डिफिशेंसी का जो टिपिकल स्पॉट्स है, ड्राइनेस हो जाती है पूरी आई में और एक चमकता हुआ फोमी स्ट्रक्चर आपको स्क्लेरा पे दिखाई देगा, कॉर्नर कॉर्नर पे एक्सपोज्ड एरिया में, दैट इज कॉल्ड विटॉट स्पॉट. नेक्स्ट प्लीज. दिस इज व्हाट इज फोमी एरिया जो दिख रहा है, ये आप देखेंगे कि ऐसा चमकता हुआ विटामिन ए की कमी को ये दर्शाता है. और मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई बच्चे या बच्चियां काजल लगाती हैं तो ये काजल स्टैंड ले लेता है, ब्लैक दिखेगा, तो बिल्कुल क्लियर पकड़ में आ जाता है कि इसको तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है. सिंपल टॉर्च इज इनफ. नेक्स्ट प्लीज. तो विटामिन ए सप्लीमेंट देने से ये ठीक होते हैं. अब इम्पॉर्टेंट है जो आजकल बहुत कॉमन है और आजकल कमोबेस मेरे ख्याल से प्रोफेसर्स भी बहुत आजकल कंप्यूटर सेवी हैं, उनका जॉब में आ गया है कि ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ करना है. तो ऐसी स्थिति में जब एनी पर्सन इफ वर्क्स इन ए क्लोज एनवायरनमेंट, एसी रूम में इन काम करता है लंबे समय तक, तो ये बीमारी होने की संभावना होती है. ये बीमारी एक्चुअली क्या है, इसलिए कंप्यूटर हम इसलिए बोलते हैं, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, एनीथिंग, आईपैड हो, मोबाइल्स हो, अगर हम लंबे समय तक, आपने मार्क किया होगा,
जो नॉर्मल ब्लिंकिंग है किसी व्यक्ति की, जो पलकें झपकाती हैं, वो फ्रीक्वेंसी अगर वो मेंटेन नहीं करता है और मेंटेन प्रायः नहीं होता है, जब आप स्क्रीन पे फोकस करते हैं, कंटिन्यूअस स्क्रीन पे कीप ऑन फोकसिंग ऑन स्क्रीन, तो फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग आपकी नहीं होती। और ये ब्लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको टीयर फिल्म को सर्कुलेट करके पूरी आईबॉल को मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट करता है, मॉइस्ट भी रखता है और लुब्रिकेट भी करता है। तो रबिंग नहीं होती है लेयर्स में, लिट और आई के जो ऊपरी है कॉर्निया और स्क्लेरा में रबिंग नहीं होती है, पर इसमें थोड़ी रफनेस आती है, ड्राइनेस आता है, सेल्स हेल्दी नहीं होती। रीजन बिहाइंड के लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं है, और उससे इस टीयर से ही एक्चुअली कॉर्निया को थोड़ी बहुत ऑक्सीजन और उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये सफर हो जाता है। अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर देखने से क्यों होता है, तो एक तो इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, और वहां एक पूरा आप देखेंगे कंप्यूटर वाले रूम में, सॉरी एसी वाले क्लोज रूम में एक ड्राइनेस, क्योंकि ह्यूमिडिफायर प्राय होते नहीं एसी के साथ में, ह्यूमिडिफायर होगा नहीं, तो एसी में 12 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं, 8 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती है बॉडी में, स्किन में भी। और उस समय हम एसी में आपको पीने के पानी की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती, आप नहीं पियेंगे पानी, तो रिलेटिवली डिहाइड्रेटेड बॉडी होती है। डिहाइड्रेटेड बॉडी होने के कारण पानी की कमी हो जाती है, तो स्किन भी लस्टरलेस होगा, और जब स्किन लस्टरलेस होगा तो सिमिलरली आई के भी स्ट्रक्चर लस्टरलेस होंगे, डल हो जाएंगे और रफनेस होगी। दैट इज व्हाट कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब उसमें तकलीफ क्या होगी, आई जल्दी थकान महसूस करेगी, इचिंग फील होगी, ड्राइनेस फील होगा, ब्लर दिखने लगेगा, फिर कभी कभी डबल हो दिखने लगेगा और हेडेक होगा। दीज आर द सिम्टम्स। और ये कंप्यूटर विजन हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सिलिकॉन वैली से ये बीमारी स्टार्ट हुई 90s में, और इसलिए इसका नाम रखा गया कंप्यूटर सीवीएस, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। आप देखिए नॉर्मली हम जब काम करते हैं कंप्यूटरों पे, तो हमारा प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं होती। ये पिक्चर में मैंने ये स्पेसिफाई करने की कोशिश की है कि क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, क्या लेबल होना चाहिए स्क्रीन का, सिटिंग पोजीशन, पोस्चर क्या होना चाहिए, बिकॉज आपको डॉक्टर पूर्णेंदु ने भी बताया होगा पोस्चरिंग के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इल पोस्चरिंग के कारण। तो सिमिलरली ये सीबीएस इत्यादि भी इसी से रिलेटेड है। तो दिस इज व्हाट इज, बिल्कुल बैक सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट जो इसमें डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, और स्क्रीन का लेवल भी 10-20 डिग्री से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, देन ऑकुलर एलर्जी, ये वेरी कॉमन, बड़ों को भी छोटों को भी। इट ऑकर्स ड्यू टू पॉलन ग्रेन्स, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड सो मेनी थिंग्स। पेशेंट्स फील जस्ट लाइक सीवियस इचिंग, रेडनेस एंड वॉटरिंग, पर यह पर्टिकुलर सीजन में ही आपको ज्यादा देखने में आएगा, और खासतौर से सीजन चेंजेस भी ज्यादा होते हैं। तो यूज ऑफ एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स एंड यूज ऑफ प्रोटेक्टिव ग्लासेस, एंड ये फ्रीक्वेंट होंगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एलर्जी के लिए बॉडी सेल्फ अपना एक तरह से रेजिस्टेंस डेवलप करती है। तो आपने बच्चों को देखा होगा कि शुरुआत के 6 साल 8 साल में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पर 14 साल में यह प्रॉब्लम खत्म होने लगती है, बिकॉज बॉडी टेक्स years to fight with allergens, और एक बार वो एलर्जी को पहचान गई, बॉडी की जो डीएनए है वो पहचान गई, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म उनने बना लिया, तो एलर्जी प्राय कम होती है। तो दिस इज व्हाट मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एलर्जी में ये क्या प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट प्लीज, ड्राई आई, आपको सीबीएस और इन सब चीजों को बताया ही, पर इसके बावजूद कई सारी अदर बीमारी, दूसरी बीमारियां भी होती हैं जिसमें ड्राई आई होती है। कई किस्म के रूमेटॉइड और जो कनेक्टेड टिश्यूज बीमारियां हैं,
उनमें ये ड्राई आई बहुत कॉमन देखने में आता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह के साथ साथ ये ड्राई आई होता ही है। तो दीज आर द थिंग्स जिसमें आपको ड्राई आई पर, और इसके साथ साथ सभी प्रोफेसर यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज द मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर मेकिंग पर्सन ए सफरिंग ऑफ ड्राई आई। तो इसमें और कुछ नहीं, यूज ऑफ लुब्रिकेटिंग ड्रग्स टीयर्स यही इसमें काम करती हैं। और ये देखिए आप ड्राई आई में फ्रीक्वेंट, बिकॉज टीयर आपको बहुत सारी चीजों से बचाता है। टीयर सामने की जो आंसू है, इसमें एंजाइम्स भी होती हैं, इसमें प्रोटीन भी होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, प्लस इसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी होती हैं। तो आपको छोटे मोटे इन्फेक्शन से तो टीयर अपने आप में इट इज सफाइस टू हैंडल, लेकिन टीयर इनसफिशियंट होगा, टीयर इवेपोरेट होता रहेगा, टीयर प्रॉपरली फॉर्म नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में फिर थोड़ी बहुत भी इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। तो दिस इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्राई आई। एंड दिस इज आई केयर इन कोविड। आखिर इस कोविड के एरा में आपको आंख में क्या ध्यान देना है? तो सरप्राइजिंगली आपको बताऊं मैं कि नवंबर 19 में 2019 में वुहान आई हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम ए ग्रुप ऑफ पेशेंट वेयर एग्जामिन इन द आई वार्ड, और इन सबको एक कॉमन तरह की इश्यूज थी, और थोड़े दिनों में रेडनेस थी, वाटरिंग थी, और थोड़े दिनों में इनको बुखार आने लगा, फिर कफ स्टार्ट हुआ, फिर उनको जब मेडिकल डिपार्टमेंट को रेफर किया गया, उनने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, तब ये जाना कि बेसिकली दीज आर सम सफरिंग ऑफ सम सॉर्स लाइक वायरसेस जो आगे चल के कोविड 19 लेबल हुई जनवरी में, जनवरी 2020। तो दिस इज आई हॉस्पिटल में ही फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था, मींस आई इफेक्ट होती है। कोविड वायरस कैन एंटर इनटू बॉडी, जब आपको बताते हैं कि नेजल एरिया से, नाक से एंटर करता है, मुंह से एंटर करता है, सॉरी प्लीज शिफ्ट टू द प्रीवियस स्लाइड, यस, कोविड वायरस यहां से एंटर करता है, सिमिलरली आई से भी एंटर कर सकता है, आई में भी एपिथेलियल लेयर्स होती हैं, वहां से भी एंटर कर सकता है। तो इसमें होगा क्या, इन्फ्लेम्ड रेटिना, इन्फ्लेम्ड न्यूराइटिस और इन्फ्लेम्ड रेड आई, जो आपको रेड आई मैंने दिखाया। कंफर्मेटरी टेस्ट, सिंपल आरटीपीसीआर, प्रिवेंशन टू अवॉइड फ्रीक्वेंट टचिंग ऑफ आई बाई फिंगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर कहा जाता है कि आप चेहरे को मत छुइए, उसका रीजन है कि तीन इंपॉर्टेंट चीज आई, नोज और माउथ, इनसे चेहरे को अलग रख, मतलब इनसे हाथों को अलग रखिए। एज पर स्टैंडर्ड कोविड 19 ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसका इलाज करना है, एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट द आई केयर इन कोविड। थैंक यू वेरी मच। और मैंने बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स, देखिए आई मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर, इसके हमारे जो हमने एमएस में पढ़ते हैं 18 वॉल्यूम, रामायण जैसी 18 वॉल्यूम है हमारे ड्यू कैल्डर की, जो हमारी मुख्य किताब है। तो ये छोटी सी 2.5 सेंटीमीटर की जो स्ट्रक्चर है उसका इतना बृहद एलाबोरेशन है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स लेके ही मैं आपके बीच आया, जो यूजुअली आप लोग देखते होंगे। और नाउ ओवर टू यू प्रशांत जी। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे ढंग से आईस के बारे में बताया, ऐसा लग रहा था कि आपका लेक्चर समाप्त ही ना हो। और चैट बॉक्स में भी बहुत सारे प्रश्न थे, हमारे मुख्य अतिथि महोदय कुलपति डॉक्टर अशोक चंद्राकर सर भी जुड़ चुके हैं। तो एक तो एक बहुत अच्छे डिलीब्रेशन के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बधाई दूंगा। दो तीन जो प्रश्न है वो हम लेना चाह रहे हैं सर। सर सर का मैं भी स्वागत करता हूँ, अशोक चंद्राकर सर का मैं भी स्वागत करता हूँ, सभी को मेरा नमस्कार। सर सर डॉक्टर श्रीवास्तव सर, ये दो तीन प्रश्न है हम लेंगे, समय की भी बाध्यता है इसलिए। अब प्रशांत जी मैं आपको, अब हमारे पास में दो लोग हो गए हैं, हमारे वीसी साहब भी इसका आंसर कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। जी 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 सर जी सर जी चंद्राकर सर नमस्कार आपको।
नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। लोग बताइए सर कि आजकल चश्मे की दुकानों में भी हम जाते हैं तो वो लोग फ्री में टेस्ट कर देते हैं और उसके बाद ग्लासेस देते हैं, तो क्या वो सही डायग्नोसिस रहता है? देखिए मैं आपको ये बहुत कॉमन चीजें हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल भी है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देखिए उनके पास में एक ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जी। वो कैलकुलेट तो करता है नंबर, लेकिन उसके साथ जो दो चीजें होती हैं हमारे, एक तो आपकी नीड कितनी है और सेकेंडली आप एक्सेप्ट क्या करते हैं जी। आपने देखा होगा डॉक्टरी में कि कई बार फुल डोज की दवाइयां, चाहे वो सिंपल बुखार की हो और एंटीबायोटिक हो, लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उसको कितना प्रिस्क्राइब करना है ये जजमेंट ऑप्थोलॉजिस्ट का होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, वो किस तरह से उसको टेक्निकली कितना परफेक्ट वे में उसको मेजर, बिकॉज कंप्यूटर में दोनों इसे डबल एज्ड स्वॉर्ड बोलते हैं, दूधारी तलवार है, जितनी एक्यूरेसी है उतनी डी एक्यूरेसी भी है। अगर एंगल गड़बड़ हुआ, कुछ और हुआ, आप देखेंगे कई बार पेशेंट्स को पॉइंट माइनस पॉइंट टू फाइव की भी जरूरत नहीं होती, और जब वो थोड़ा फोकस चेंज करता है कंप्यूटर पे बैठ के पेशेंट, तो माइनस टू पॉइंट फाइव माइनस थ्री इस तरह का मायोपिक पिक्चर मिलता है। आई होप वीसी साहब भी सहमत होंगे इस बात से। बिल्कुल सही है, सही बात। तो ये जजमेंट डॉक्टर के स्तर पे। अच्छा एक बात मैं और बताऊं, उस पेशेंट को मायोपिया है, उस पेशेंट को डायबिटीज है, उस पेशेंट की एज क्या है, इन सब के कोरिलेशन में उसके जॉब के रिक्वायरमेंट से सब कैलकुलेट करके एक ऑप्थोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं नंबर। इट इज नॉट सिंपल कि कंप्यूटर पर बैठ के चिन्ह लगा दिया और उधर से नंबर एक पर्चा निकल गया, उस पर्चे को ही उसने प्रिस्क्रिप्शन बना के दे दिया जी। तो आपके आजकल चश्मा बनाना इज नॉट ए इजी जॉब, 1,500-2,000 रुपए के स्पेक्टिकल्स बनाने के लिए आप अगर उस पर विश्वास कर रहे हैं तो समटाइम्स ठीक भी बन जाएगा, पर ये जरूरी नहीं है। फिर होता क्या है, कई बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट लौट के आता है कि साहब ये बनवाया, इतना पैसा भी लग गया और उसके बाद मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिस इज द इश्यूज जिसमें खासतौर से छोटे बच्चों में और एल्डरली में तो बिल्कुल कंप्यूटर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। There are so many factors which affects prescriptions. ये स्टूडेंट्स भी सर बड़ी संख्या में जुड़े हैं तो वो पूछ रहे हैं कि आजकल ऑनलाइन क्लास में हमको चार चार पांच पांच घंटे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है, तो हमको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हर किसी को, मैं प्रोफेसर साहबान को भी और कंप्यूटर यूजर्स स्टूडेंट्स को भी ये सलाह दूंगा कि हर थोड़ी देर में एटलीस्ट आफ्टर एक घंटे के गैप पे 10 मिनट आप आंखें बंद करके बाहर कोई ग्रीनरी देखिए, कोई दूर की चीज फोकस करिए। जब भी हम आप समझिए 6 मीटर से या 20 फीट से ज्यादा के ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तो पैरेलल आईज आंख में आती हैं, जिसमें आपके आई को एग्जर्ट नहीं करना पड़ता, आई रिमेन एट ए रेस्ट पोजिशन पे आई उनको देख पाती है, तो उतने देर के लिए आई को रेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसा 2-4 मिनट 5 मिनट का गैप करिए, थोड़ा उठ के आ जाइए और थोड़ा नॉट ओनली सिटिंग इन अ सिमिलर ए पर्टिकुलर पोजीशन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, या ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम भी होती है इसमें। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, इवन प्रोफेसर साहबान को भी, और मेरे ख्याल से शायद दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्लासेस की टाइम आपकी 45 मिनट से एक घंटे के बाद में गैप होता ही है। आप देखेंगे इन बिटवीन टू क्लासेस बच्चे थोड़े बहुत, चाहे वो कॉलेज के हो, स्टूडेंट चाहे वो स्कूल के हो, थोड़े बहुत चहलकदमी इधर उधर होता ही है, तो वो दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। तो बिल्कुल थोड़ा सा 5 मिनट का गैप करके आप डिस्टेंट, फार डिस्टेंट चीजें आपको फोकस करिए और बिल्कुल स्क्रीन से हट जाइए, दैट इज सफाइस। और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स ऑफकोर्स, जो हमारे प्रोफेसर साहबान है, सीनियर है, जिनको वाकई थोड़ी बहुत सप्लीमेंट की जरूरत है उनको जरूरत है, पर बच्चों को नहीं है जरूरत, बच्चे काफी हैं इसके लिए, दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस कर लें, दैट इज ऑल।
सर एक महिला प्राध्यापक पूछ रही है कि स्टील फ्रेम का चश्मा ज्यादा अच्छा होता है या प्लास्टिक फ्रेम वाला? ये तो मैं मैडम को सजेस्ट करूंगा कि ये मैडम को जो कॉस्मेटिक एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछना चाहिए, अदरवाइज स्टील फ्रेम के चश्मे में और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है वो और स्किन के कांटेक्ट में रहने से थोड़ी सी रहती है और इसके साथ पसीने भी होते हैं, आप देखेंगे स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से अगर वो अलॉय थोड़ा सा मिक्सअप होता है, हालांकि स्टील अगर ओरिजिनल स्टील है या एक्चुअली स्टील होता नहीं है वो क्रोम पॉलिश वगैरह होती है, तो उसके कारण थोड़ा सा वो डिजॉल्व होगा तो वो कई बार दाग बाग पड़ने लगते हैं, ब्लैकिश निशान आने लगते हैं चेहरे पे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि और अच्छे फ्रेम से उसको यूज करिए, या यही एक डिफरेंस है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में, कि ब्रांडेड में एटलीस्ट यू कैन रिलाई कि इस तरह की प्रॉब्लम्स उसमें नहीं आएंगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा व्याख्यान और उसके बाद इतने सरलता से जवाब दिए। मैं हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की माननीय कुलपति मैडम की तरफ से और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आगे भी क्योंकि विश्वविद्यालय इस तरीके के रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करता है, हम आपका सहयोग चाहेंगे और आपका निरंतर सहयोग मिलता रहे, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। थैंक यू वेरी मच, और मैडम का खासतौर से मैं बीसी मैडम का, ऑनरेबल बीसी मैडम का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अशोक सुनाकर सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो आपके चीफ गेस्ट थे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब, उनको भी मैं इस फोरम से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। और अब डॉक्टर श्रीवास्तव के इतने अच्छे व्याख्यान के बाद अब बारी है हमारी जो 7 days की श्रृंखला थी मीट द डॉक्टर्स। डॉक्टर चंद्राकर साहब चूंकि यहाँ मौजूद हैं, हमारे आयुष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, उनको मैं बताना चाहूंगा कि सर हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा ये 7 days की सीरीज माननीय कुलपति मैडम ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के अभी जब मैडम उसका आपको विस्तृत विवरण बताएंगी, तो अलग अलग डॉक्टर्स को हम लोग ने आमंत्रित किया था और सभी डॉक्टर्स ने उसमें जो 7 days में से 5 डॉक्टर्स जो थे वो हमारे छत्तीसगढ़ के थे, एक रीवा मध्य प्रदेश की थी और एक सैंडियागो यूएसए से जुड़े थे। इस तरीके से वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, पहले छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स, फिर मध्य प्रदेश और फिर अब्रॉड। तो ये 7 days का जो प्रोग्राम था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और लगभग रोज मोर देन 500 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जुड़ते रहे। इस समय भी आप देखेंगे 450 लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय के ऑफिसर्स, विश्वविद्यालय के एम्प्लॉय, सभी लोग जो हैं वो लगातार जुड़ते रहे हैं और उससे बहुत लाभान्वित हुए। मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बता दूं कि हमारे आज के समापन समारोह के मुख्य अतिथि आयुष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अशोक चंद्राकर सर हैं, सर भी आई स्पेशलिस्ट हैं और इतने विनम्र, इतने सरल स्वभाव के हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी कुलपति स्तर के अधिकारी से बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सादगी ही सर का परिचय है, और अपने समय के सर बहुत ही अच्छे स्कॉलर के रूप में जाने जाते हैं। जब कभी भी किसी डॉक्टर से बात करिए या आयुष विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात करिए और कुलपति सर के बारे में पूछिए तो हर कोई उनकी विनम्रता को सबसे ज्यादा तवज्जो देता है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय चंद्राकर सर का स्वागत करता हूँ हेमचंद विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, और सर्वप्रथम हमारी माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा मैडम को आमंत्रित कर रहा हूँ उनके स्वागत भाषण की। मैडम प्लीज। सभी को नमस्कार। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय मीट द डॉक्टर व्याख्यान श्रृंखला के समापन अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय कुलपति आयुष विश्वविद्यालय रायपुर डॉक्टर अशोक कुमार चंद्राकर जी, आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी, जिन्होंने वास्तव में गागर में सागर भरने का प्रयास किया आज पूरा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव डॉक्टर सी एल देवांगन जी, DSW डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी,
हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, इसके अतिरिक्त हमारे सभी 138 महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य, प्राध्यापक, एनएसएस ऑफिसर्स, छात्र एवं छात्राएं, आज हमारा ये समापन दिवस है और आज हम जाकर ये महसूस कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे लिए कितने ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। ये तो एक विचार आया कि जब हमारे विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म में हम सब तरह के कार्यक्रम कराते हैं तो क्यों ना स्वास्थ्य संबंधी श्रृंखला प्रारंभ की जाए। और आज जब ये श्रृंखला खत्म हो रही है तब हमें समझ में आया है कि ये इस तरह के कार्यक्रम वास्तव में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। उपयोगी हो क्या सकते हैं, बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विंस्टन चर्चिल तक ने ये कहा था कि जो हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी पीपल आर द बेस्ट असेट फॉर अ नेशन। तो एक देश के लिए अगर लोग अगर हेल्दी ना हो तो वो अपने देश के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होते। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 7 दिवसों में हमने अलग अलग एक्सपर्ट डॉक्टर्स को अपने फील्ड के बुलाया और सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा हमारे कार्यक्रम का। मैडम अनम्यूट कर लीजिए, मैडम अनम्यूट कर लीजिए। प्रथम दिवस में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसमें डॉक्टर पुण्येंदु सक्सेना ने बोन हेल्थ के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। डॉक्टर स्मित श्रीवास्तव अगले दिन आए, उन्होंने हार्ट हेल्थ के ऊपर बातचीत की। फिर डॉक्टर अनूप वर्मा, उन्होंने पीडियाट्रिक्स पर बात करी थी। डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव और रीवा से आकर उन्होंने ब्लैक फंगस, जो बहुत ही समसामयिक विषय था, उस पर बातचीत की। और इसके बाद डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव का भी सेशन मुझे लगा कि बहुत ही यूजफुल था, क्योंकि उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी पर बात की थी जो कि आज के समय की आवश्यकता है, ऐसा मैंने महसूस किया। डॉक्टर अरविंद नेरल, आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं और उन्होंने ब्लड डोनेशन के ऊपर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को मोटिवेट किया था। और आज तो आपने सुना ही है डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी को कि उन्होंने कितने अच्छी तरह से, शायद ही कोई एरिया छोड़ा होगा आई केयर का जो आपके सामने प्रस्तुत किया था। मुझे गांधी जी के वो शब्द भी याद आते हैं जब वो कहा करते थे कि गुड हेल्थ इज नॉट समथिंग विच यू कैन बाय, हम कहीं से खरीद नहीं सकते अच्छा स्वास्थ्य, और वास्तव में देखा जाए तो हेल्थ इज ओनली द रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आप कितनी भी संपत्ति जमा कर लीजिए पर अगर आपका स्वास्थ्य स्वयं का ठीक नहीं होगा तो आप मानकर चले कि आप किसी काम के नहीं हैं। और वास्तव में पूरे देश के लिए हमें स्वस्थ लोगों की ही आवश्यकता होती है। और एक बहुत ही पुरानी अरेबियन प्रोवर्ब है, उसके साथ अपनी बात को मैं समाप्त करती हूँ कि he who has health has hope and he who has hope has everything। तो अगर हमारे सामने कोई होप रहती है तभी हम समझिए कि देश के लिए फायदेमंद है। और ये होप हमें कहाँ से मिलती है, थ्रू हेल्थ ओनली। तो इतनी अच्छी हेल्थ श्रृंखला के आप सब भागीदार बने और मैं पुनः अपने मुख्य अतिथि महोदय का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ कि सर ने बहुत ही आसानी से हमारे निवेदन को स्वीकार किया है और आज हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, अटेंडीज के मोटिवेशन के लिए आप उपस्थित हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति मैडम। मैं डॉक्टर चंद्राकर सर को यह बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, जिसे हम बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो हमारी माननीय कुलपति मैडम थी। पूरे समय वो 7 दिन जो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का व्याख्यान था उसमें वो उपस्थित रही। सभी डॉक्टर्स को, चाहे वो हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स हों या यूएस के डॉक्टर्स हों, सबको उन्होंने खुद कांटेक्ट करके और मैनेज किया, टॉपिक डिसाइड किया। तो इस पूरे कार्यक्रम की सफलता का श्रेय यदि कहेंगे तो वो हमारी माननीय कुलपति मैडम को जाता है। और सबसे बड़ी जो बात है वो सबको मोटिवेट करना। यदि किसी कार्यक्रम में छोटी मोटी कमी भी रह जाती है तो मैडम उसको बहुत पॉजिटिव तरीके से कहती है कि कल अपन इस बात का ध्यान रख लेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। अब हम लोग जैसा कह रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ और हमारे एक कैंड से कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा,
लेकिन जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 500 550 लोग रोज जुड़ते थे, कल तो 750 हो गए थे डॉक्टर नीरल के व्याख्यान में, तो मैं पार्टिसिपेंट्स में से, चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए दो लोगों को हम आमंत्रित करेंगे कि फीडबैक के लिए। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं डॉक्टर हंसा शुक्ला, ये प्राचार्य है स्वरूपानंद कॉलेज भिलाई की, मैडम कुछ कहना चाह रही है, मैडम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और फिर बोलिएगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर्वप्रथम मैं हृदय तल से वाइस चांसलर मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी, और इस कड़ी में मैं कहना चाहूंगी कि स्वस्थ तन जब रहेगा तभी स्वस्थ मन का विकास होता है। तो मैडम ने पहले मन के विकास के लिए, इससे पहले हम लोगों का 6 दिवसीय वेबिनार एकेडमिक्स पे हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, और उसके पश्चात चूंकि कोरोना पीरियड में हम देख रहे हैं कि ड्यूमर जो है वो हमें ज्यादा चिंतित कर देते हैं कि ब्लैक फंगस से इतनी मौतें हुई, या कोरोना के बाद जो स्वस्थ होकर जा रहे हैं उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर जो विश्वविद्यालय ने 7 दिवसीय अलग अलग विषय पे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से, मैं तो ये कहूंगी कि नॉर्मली होता है कि डॉक्टर के पास जाने से हम घबराते हैं, लेकिन इस सीरीज में जब हमने डॉक्टरों को सुना तो हमें लगा एज अ काउंसलर अगर हम डॉक्टर से मिलें और अपनी समस्याओं को उनको बताएं, या र्यूमर को सुन के हम वरीड हो जा रहे हैं, उन चीजों को उनसे अगर हम डिस्कस कर लें तो शायद हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा और हमारी आधी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। मैं किसी भी एक सत्र का तो ये नहीं कह पाऊंगी कि ये बहुत अच्छा था, 7 सत्र जो विषय लिए गए उसका इतना अच्छा जस्टिफिकेशन, इतना अच्छा एनालाइज हमारे सभी माननीय डॉक्टरों द्वारा किया गया कि मुझे लगता है कि प्राचार्य प्राध्यापक या इस वेबिनार से जुड़े हुए रिसर्च स्कॉलर हो विद्यार्थी हो, एक नई दिशा मिली अपने खान पान को जानने की, कोरोना काल में स्वस्थ रहने की, और सबसे बड़ी बात यह है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की, कि डॉक्टरों से मिलना मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं तभी डॉक्टरों से चर्चा करें, बल्कि आप स्वस्थ भी हैं लेकिन आपके मन में कुछ ग्रंथियां हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टर से उन बातों को लेकर चर्चा कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कीजिए। मैं पुनः संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार का और माननीय कुलपति मैडम का, आज हमारे मुख्य अतिथि आयुष विश्वविद्यालय से कुलपति सर हैं, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे, जो 7 स्पेशलिस्ट हैं जिनके नाम सुनते हैं हम, उनसे रूबरू हम हो सके, उनको हम सुन सके और बहुत सारी हमारी भ्रांतियां इससे दूर हुई हैं, उसके लिए सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हंसा शुक्ला मैडम। मैडम हमारे विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की सदस्य भी है और पूरे प्रोग्राम्स में वो लगातार जुड़ी रहती हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। एक और हमारी प्रतिभागी कुछ कहना चाह रही है, ये संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजनांदगांव की प्राचार्य है डॉक्टर गुरप्रीत कौर। मैडम अनम्यूट कर लीजिए फिर बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं किसी कार्यक्रम के लिए जो भी बात करनी है, सबसे पहले वीसी मैम के लिए 4 लाइनों से शुरुआत करूंगी। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां से के खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो संग मेरे कारवां चले, बात गुजर की नहीं मेरे एतबार की है। वीसी मैम प्रणाम आपको। आदरणीय वीसी मैम, रजिस्ट्रार सर सीएल देवांगन जी, विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर और हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर, डॉक्टर अशोक चंद्राकर सर आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कहा जाता है ना कि जीवन में परिवर्तन अचानक ही आता है, तो ये जो जीवन में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन में सबकी दिनचर्या बहुत ही प्रभावित हुई है, किंतु हेमचंद विश्वविद्यालय से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब की दिनचर्या एक साइड, लेकिन जो स्किल डेवलपमेंट हुआ है
वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और इस स्किल डेवलपमेंट को और जितने भी कार्यक्रम हमारी वीसी मैम के द्वारा शुरुआत किए गए थे उन सब के लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई भी कठिन कार्य हो और हम जब तक उसमें अपना हाथ न डालें तो उस कार्यक्रम को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन शुरुआत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस कहावत को चरितार्थ किया है हमारी वीसी मैम ने और डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव जी ने। मार्च 2020 से जो लॉकडाउन चला, जो लॉकडाउन की स्थिति बनी है, तब से लेकर आज तक वीसी मैम और हमारे विश्वविद्यालय में, वीसी मैम के द्वारा हमारे विश्वविद्यालय में कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम चलाते रहे हैं जिससे कि हम सब एक्टिव रहे हैं और कोरोना जैसी इतनी कठिन परिस्थिति में हम लोग उभर पाए हैं। इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है हमारी वीसी मैम और डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव सर को, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण को। इसका एक और कारण है क्योंकि जो कि ये कि कोरोना का समय है, सबके लिए बहुत ही भयावह समय रहा है, लेकिन इसमें यदि हम हिम्मत हार गए तो समझिए कि हम सब कुछ हार गए। किंतु इस चीज को हिम्मत ना हारना, नई नई चीजों को हमारे सामने लेके आना, ये सब हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से हुआ है। और ये जो 7 days का प्रोग्राम हुआ है मैडम, इस प्रोग्राम के लिए तो आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि आज के कठिन वक्त में ये हम सब के स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक रहा। और मैं खुद को इतनी भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय से जुड़ करके काम कर रही हूँ और आप लोगों के साथ काम सीख भी रही हूँ। अंत में मैं 4 लाइनें प्रशांत सर के लिए कहूंगी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले कई मंजिल के लिए, यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, और 7 days जितने भी डॉक्टर्स आए उन सब से रूबरू कराने के लिए और हम सबको इतनी जानकारी देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरप्रीत कौर मैडम, आपकी शुभकामना और आपके विचार के लिए। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं मैं उनको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि समापन समारोह की समाप्ति के पश्चात आप दुर्ग विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलेंगे और वहां पर आपको मीट द डॉक्टर एक आइकॉन लिंक मिलेगा मेन पेज पर, उसको आप क्लिक करेंगे, आपको गूगल फॉर्म भरना है, जो 7 दिन के जो लेक्चर्स हुए हैं उसका आपको फीडबैक देना है। जैसे ही आप फीडबैक फॉर्म सबमिट करेंगे आपको सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पर पहुंच जाएगा। यदि आपका ईमेल एड्रेस गलत होगा तो वो सर्टिफिकेट नहीं पहुंच पाएगा, और चूंकि वो कंप्यूटर जनरेटेड पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है और वो उसके बाद यदि आप कल वीसी मैडम से मुझसे निवेदन करेंगे कि सर हमारा सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा या मैं नहीं भर पाया, तो हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप समापन समारोह के तत्काल पश्चात ही उस गूगल फीडबैक फॉर्म को अवश्य भरें। साथ ही एक और सूचना कि जो दैनिक नई दुनिया समाचार पत्र समूह है उनके द्वारा 14 जून को 11 बजे सर्वधर्म प्रार्थना का एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो कोविड से हमारे बहुत सारे जो परिजन बिछड़ गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और जो लोग कोविड से अभी ग्रसित हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की जाएगी। तो ये एक अच्छा जन सरोकार से जुड़ा हुआ ये एक प्रार्थना सभा है, हम सभी उसमें जुड़ेंगे तो हमारे परिजन जो हमसे बिछुड़ गए हैं या जो लोग अभी कोरोना से ग्रसित हैं उन सबको हम जो है एक प्रार्थना के जरिए उनके स्वस्थ होने की कामना कर सकते हैं। और अब जिसके लिए हम सभी इंतजार कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक चंद्राकर सर, जो कि आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, एक जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और उन सब से उठकर एक गुड ह्यूमन बीइंग। सर को आप देखिएगा, आपको मन में इतनी सुखद अनुभूति होगी, कहीं कोई गर्व नहीं, जबकि जिस परिवार को वो बिलोंग करते हैं वो बहुत उच्च पदस्थ परिवार है और सब दृष्टि से सर संपन्न है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिएगा उतनी विनम्रता, उतनी सरलता, वही हम सबको सर के प्रति आकृष्ट करती है। मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय अशोक चंद्राकर सर को आमंत्रित कर रहा हूँ उनके उद्बोधन के लिए। सर प्लीज। माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर अर्णा पलटा जी, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी दुर्ग, श्री प्रशांत श्रीवास्तव जी DSW दुर्ग यूनिवर्सिटी, डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव रजिस्ट्रार दुर्ग यूनिवर्सिटी,
कॉलेज के सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स और दूसरे पार्टिसिपेंट्स, आज के इस मीट द डॉक्टर्स जो वेबिनार आयोजित किया गया है दुर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस वेबिनार में जैसा कि आपने बताया कि हमारे प्रदेश के, देश के और यूएसए के कुछ डॉक्टरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये सभी अपने अपने फील्ड के प्रसिद्ध डॉक्टर्स हैं जिनके एक्सपीरियंस का आज इस दुर्ग यूनिवर्सिटी को काफ़ी फायदा मिला है। जैसा डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव का मैं टॉक सुन रहा था, उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छी तरह से बताया, इसी तरह से बाकी जो सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने उद्बोधन आपके यूनिवर्सिटी में सभी स्टूडेंट्स और सभी प्रोफेसर्स को दिए। इससे आप सभी उनके साथ में रूबरू भी हुए, उनसे बातचीत करने का आपको मौका भी लगा, आप सभी को काफ़ी फायदा होगा हुआ होगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आज के इस कोरोना काल में फिजिकल कॉन्फ्रेंस तो असंभव सा ही है, इसमें अगर हम इस दुर्ग यूनिवर्सिटी के अचीवमेंट को देखें तो हमारे माननीय कुलपति महोदया के द्वारा लीड लेते हुए उन्होंने यह एक वेबिनार मीट द डॉक्टर्स का आयोजन करवाया, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के डॉक्टर्स मीट दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा यूजुअली नहीं करवाया जाता है, और जैसा कि मुझे अभी बताया गया कि अन्य टॉपिक्स में भी जब से लॉकडाउन लगा है मार्च से, तब से कुछ न कुछ कार्यक्रम इस यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं मैडम को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना प्रोएक्टिव होकर के इतना अच्छा काम किया है अपने यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमेशा यहां पर आपके यूनिवर्सिटी के साथ में उसको आगे बढ़ाने में हमेशा जुड़े रहे हैं। अगर हम कोरोना पेंडेमिक की बात करें तो अभी सेकेंड वेव अभी चल रहा है हमारे देश में, पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो इस कोरोना पेंडेमिक से अछूता रहा हो। इसमें सभी गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उसके बावजूद भी बीच में कम हुआ था कोरोना का ग्राफ, उसके बाद में फिर से बढ़ने लगा, अभी फिर से थोड़ी बहुत उसमें कमी आई है। इसको अगर हम डिटेल में देखें तो जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में कहा जाता है कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको रोकने के लिए, खासकर इस तरह के पेंडेमिक्स में, जो उसका जो मूल कारण है उसको हमको दूर करना जरूरी है, तो उसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है। इसीलिए तो अगर हम कोरोना को प्रिवेंट करें, उसको ट्रीट करने के बजाय, ट्रीटमेंट की पार्ट तो बाद में आती है जब कोरोना हो गया, प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसके मूल मंत्र हैं सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन, और सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं सबको मास्क का कंपलसरी उपयोग। अगर ये 3 चीज हर कोई कर ले तो कोरोना को आसानी से इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा टोटल इम्यूनाइजेशन, अभी हमारे देश में करीब 25 करोड़ लोगों को इम्यूनाइजेशन किया जा चुका है, और जैसी आशा व्यक्त की जा रही है कि दिसंबर के आते आते हमारे पूरे देशवासियों का इम्यूनाइजेशन होने की संभावना है। इस कोरोना के लड़ाई के लिए पब्लिक का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। इस जागरूकता के पहल में सबसे ज़्यादा पहल हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं,
पैरामेडिक्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के प्रतिनिधि हैं और स्वयंसेवी संस्थान, इन लोगों को, इन लोग वैसे तो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं अपना, परंतु और भी इसमें इनको और आगे आने की ज़रूरत है, जिससे हर व्यक्ति को कोरोना के बारे में जागरूक करें, उनके रोकथाम के ऊंचा उपाय के बारे में उनको बताएं। अगर हम कोरोना के सिम्टम्स के बारे में अगर जानकारी लें, तो कोरोना में कभी कभी बिना सिम्टम्स के भी कोरोना होते हैं। अगर किसी कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में कोई व्यक्ति आया है बिना मास्क के और उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो उसके बिना सिम्टम्स वाला कोरोना हो सकता है। इसके अलावा माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश और टेस्ट का जाना, सुगंध का जाना, इस तरह के माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और ये सिम्टम्स ज़्यादातर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट में बहुत अर्ली डेवलप होना चालू हो जाते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किसी को और दूसरी कोई बीमारी है, कैंसर है, इम्यून डिफिशेंसी की बीमारियां हैं, इस तरह के बीमारियों में जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनमें ये सिम्टम्स काफ़ी तीव्रता के साथ में दिखाई देते हैं और सीवियरिटी इनमें ज़्यादा हो जाती है, जिसमें उनको भर्ती करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। अगर हम इनके डिटेल में जाएं, तो उसके बाद में जैसे अगर बहुत ज़्यादा अगर सीवियरिटी बढ़ जाए तो उसमें ब्रीदिंग ट्रबल्स चालू हो जाते हैं, सांस में तकलीफ बढ़ जाती है। अगर हम ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें तो ऑक्सीजन सेचुरेशन धीरे धीरे गिरने लगता है। अगर 94% से ऑक्सीजन सेचुरेशन कम आ जाए तो तुरंत जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड जो भी हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल्स हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, या डॉक्टर्स हैं जो उसके लिए ऑथराइज हैं, उनसे तुरंत कॉन्टेक्ट करना चाहिए। वे उनको उचित सलाह देंगे, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो भर्ती की सलाह देंगे, और ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है तो उनको होम आइसोलेशन की भी सलाह दे सकते हैं। परंतु किसी भी व्यक्ति को सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। जो अभी ब्लैक फंगस के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन करते हुए स्टेराइड की गोलियां खुद हो करके खा ली हैं। स्टेराइड की गोलियां जो इम्यून सप्रेशन का काम करती हैं, उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो म्यूकर माइकोसिस या एस्परजिलोसिस, ये ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए और डॉक्टर के बताए अनुसार ही आपको जो भी मेडिसिन हैं वो यूज़ करना चाहिए। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन वाला कमरा हो, अलग से आपके लिए कमरा हो, बाथरूम अलग हो, इसके साथ साथ आप अपने स्लीप का ध्यान रखें, प्रॉपर स्लीप लें, मोबाइल्स वगैरह को सोते समय बिल्कुल बंद करके रखें, क्योंकि आपके लिए आराम करना अत्यंत आवश्यक होता है। बैलेंस डाइट लें और गर्म पानी या गुनगुने पानी का सेवन करें, भाप लें, और अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल वाले जैसा बताते हैं उसके हिसाब से आप उसमें अपना कार्यक्रम करिए। और इसमें अगर कोरोना आपको हो भी गया है तो इसमें डरने की बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन्स भी आ चुकी हैं आजकल, और ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन को आप प्रोवाइड किया जाता है हॉस्पिटल्स के द्वारा, वेंटिलेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। हॉस्पिटल से जब आप घर आ जाते हैं तो भी आपको प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपको एक बार कोरोना हो चुका है तो ऐसा नहीं है कि दोबारा कोरोना नहीं हो सकता। तो आपको मास्क का प्रयोग उसके बावजूद भी करना है, दूसरों के लिए भी आपको मास्क का प्रयोग करना है, दूसरों को बचाने के लिए भी। और
टीका का जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है उसमें सभी जो नागरिक हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर उसमें अपना योगदान देना चाहिए, ये खुद के फायदे के लिए है। वैक्सीन लगाने के बाद आप ये मत सोचिए कि आप इम्यून हो गए हैं, उसके बावजूद भी आपको कोरोना हो सकता है, इसलिए आप मास्क का प्रयोग हमेशा करिए। और मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा सुंदर वेबिनार यहां पे आयोजित किया जिसके लिए मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्राकर सर, आपने इतने सरल शब्दों में कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी बड़ी संख्या में इस समय 300 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां लेनी चाहिए, और यदि एक बार कोरोना हो गया तो हमें क्या सावधानी बरतना है और ना हो इसके लिए क्या सावधानी बरतना है, आपने इतने सरल शब्दों में जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सेकंड सैटरडे के अवकाश के बावजूद आप हमारे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जुड़े, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपने माननीय अर्णा पल्टा मैडम के आवेदन को स्वीकार किया, मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी सर, क्योंकि अर्णा पल्टा मैडम की एक हमेशा की आदत है कि वो कुछ ना कुछ जो है वो रचनात्मक कार्य हमेशा विश्वविद्यालय में चालू रखती हैं, और न केवल उससे हम लोगों का ये जो कोविड 19 के प्रति जो एक एंग्जाइटी रहती है वो दूर होती है, और हमेशा वो पॉजिटिव स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन करवा रही है, प्रोफेसर्स के लिए करा रही है, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन करवा रही है, लेकिन अभी क्योंकि फिजिकल रूप से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो उन्होंने सब ऑनलाइन करवा दी और बड़ी संख्या में, कल हम लोग निबंध का वैल्यूएशन कर रहे थे, 885 ऐसे आए हैं कोरोना संक्रमण से बचाव पे मैडम ने जो स्टूडेंट्स की निबंध कंपटीशन कराया था, तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो है वो हम लोग सभी को डाइवर्ट करने के लिए करवाती रहती हैं, उसके लिए मैं उन्हें भी हम सभी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सभी प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, शोधार्थी, नियमित विद्यार्थी कि जो लगातार 7 दिन तक बिना किसी हमारे रिक्वेस्ट के खुद स्वस्फूर्त होकर के जुड़ते रहे और पूरे प्रोग्राम के दौरान वो उपस्थित रहे, ऐसा भी नहीं हुआ कि शुरू में जुड़ गए और जल्दी से जो लेफ्ट आउट हो गए, सभी लोग अंत तक जुड़े रहे, ये विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की सफलता को इंगित करता है। और हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण डॉक्टर RP अग्रवाल साहब, रजिस्ट्रार देवांगन साहब, असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुमित अग्रवाल सर, हिमांशु मंडावी, AR चौरे सर और डिप्टी रजिस्ट्रार राजमणि पटेल सर, हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर LP वर्मा सर और विश्वविद्यालय के सभी हमारे जो टेक्निकल टीम है उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि वो लोग कंधे से कंधा मिलाकर के प्रोग्राम विश्वविद्यालय का कोई भी प्रोग्राम उसको सक्सेसफुल बनाने में हर किसी व्यक्ति का हाथ रहता है। स्क्रीन पर जरूर मैं दिखाई देता हूँ लेकिन मेरे पीछे जो लोगों का हाथ रहता है वो लोग जो है वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। मैं हमारे मीडिया जगत, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने पूरे 7 दिन के लेक्चर्स को बहुत प्रमुखता से अखबारों में और मीडिया में जो है वो जगह दी और इसी कारण से हमारा जो कार्यक्रम है वो काफी हद तक सफल हो पाता है। हमारे NSS के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं और स्वयं सेवक है उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि कल जब ब्लड डोनेशन का डॉक्टर निरल ने आह्वान किया और उसके ऊपर उन्होंने जानकारी दी, और आज ही मुझे NSS के समन्वयक डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि हमारे सब स्वयं सेवक फील्ड में सक्रिय हो गए कि ब्लड डोनेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमको प्रचार करना है और वो खुद भी रक्तदान देने के लिए उत्सुक हैं। जैसा डॉक्टर निरल ने बताया कि एक सामान्य व्यक्ति जीवन में 188 बार रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर RP अग्रवाल आज मुझे सवेरे बता रहे थे कि हमारे सभी कार्यक्रम अधिकारी जो है वो रक्तदान देने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग एक कार्यक्रम के तहत उसको देंगे और हमारे स्वयं सेवकों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम ने जो कार्यक्रम आयोजित किया, कल उसका व्याख्यान हुआ और आज से ही उसका क्रियान्वयन शुरू हो गया, तो ये कार्यक्रम की सफलता को इंगित करता है। मैं सभी को जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम की सफलता में जिनका हाथ रहा है उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और एक बार पुनः कुलपति द्वय, हमारी माननीय कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम और आयुष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर अशोक चंद्राकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वस्थ रहने की शुभकामनाओं के साथ
मैडम की अनुमति से आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।